ओके जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिस जो है चैप्टर टू में से वो हमने लिए हैं। अब थोड़ा सा हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर थ्री वो अभी तक मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, चैप्टर थ्री अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद हम रैंडम वेरिएबल्स पे आ जाएंगे। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है ये है प्रोबेबिलिटी अंडर सर्टेन कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल, अभी जिस तरह आपने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स किए हैं प्रोबेबिलिटी की, उसमें प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करते हो किसी इवेंट की, और आप कहते हो कि सपोज करें कि ये आपका इवेंट ए है, और ये इवेंट जो है, फॉर एग्जाम्पल इवेंट ये है कि आपने डाइस जो है वो दो डाइस जो हैं वो टॉस किए हैं, और उस दोनों डाइस में जो सम ऑफ द नंबर्स हैं जो अपीयर हुए हैं वो इवन आता है फॉर एग्जाम्पल। तो ये एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट का एक स्पेसिफिक आउटकम आपने डिस्कस किया, तो ये एक इवेंट है। लेकिन ये इवेंट जो है ये किसी चीज़ पर कंडीशन बेस्ड नहीं है। मिसाल के तौर पे कि अगर आप कहते कि मैं चाहता हूँ कि मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँ कि सेकंड डाइस पे ये वैल्यू आएगी गिवन दैट के फर्स्ट डाइस के ऊपर जो है वो ये वैल्यू हो ऑलरेडी, यानी कि आपने बारी बारी दो दो डाइस इकट्ठे टॉस करने के बाद आपने बारी बारी टॉस कर दिए, और आप कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट के सेकेंड डाइस के ऊपर जो है ना वो ऑड नंबर आए गिवन दैट फर्स्ट डाइस के ऊपर जो है वो इवन नंबर हो, मिसाल के तौर पे। तो मतलब ये कि आप अगर अपने एक्सपेरिमेंट को कंडीशनल कर दें, कंडीशनल कर दें अपने इवेंट्स को जिनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और वो कंडीशन इस तरह की हो के अंडर सम अजम्पशन आपने किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी कि इन जनरल एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना इन जनरल फ्री ऑफ ऑल कंडीशन, के जब भी वो इवेंट होल्ड करता है तब आपने उसको काउंट कर लेना। जैसे आप सैम्पल स्पेस में से इवेंट की फेवर में जो आउटकम्स हैं वो काउंट कर लेते हो, कोई कंडीशन नहीं देख रहे अभी तक आप, अभी तक आप जस्ट उस इवेंट की फेवर में जो जो आउटकम आ रही है आप वो सारी काउंट करते जा रहे हैं, और फिर आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस। तो इसे आप प्रोबेबिलिटी आ जाती है, लेकिन ये सिंपल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप जो इवेंट्स की फेवर में आउटकम्स लेंगे वो कंडीशन बेस्ड होंगी। आपने देखना है कि ये इवेंट जो है ये इस तरह से डिफाइन किया होगा कि आप फाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करें गिवन दैट कि कोई दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए छोटा सा फार्मूला है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी उसने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है इस चीज़ की, ये पढ़ें। तो ये जो नोटेशन है ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ। इसमें दो इवेंट्स हैं आपके पास, एक है इवेंट ई और एक है इवेंट एफ, और जो फर्स्ट इवेंट है यहाँ पे ये वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करना चाहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन के बाद लिखा हुआ है ये वो इवेंट है जो पहले से अकर कर चुका हुआ है, या आपने इसको अजम्पशन के तौर पे सपोज करना है ऑलरेडी, यानी कि जब आप इसको रीड करोगे तो आप इसको रीड करोगे कि ये लिखा ये हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ठीक है। इसको रीड आपने ऐसे करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, और इसमें आप असल में तो प्रोबेबिलिटी ई की ही फाइंड कर रहे हो, ये जो पहले आ रहा है ना इसमें लिखा हुआ इवेंट, जो इवेंट पहले है प्रोबेबिलिटी इसी की फाइंड करनी है, लेकिन गिवन दैट द एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि दो इवेंट्स हैं इसमें, एक इवेंट ई और एक इवेंट एफ, और आप ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई, और गिवन दैट इवेंट एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि इवेंट एफ अगर अकर कर चुका हो तो फिर इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो ये उसकी नोटेशन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। और इसमें जो है दो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, एक ये कि अगर तो ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यानी कि अगर तो ई और एफ जो इवेंट्स हैं ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो फिर तो फ़र्क पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इन जनरल फाइंड करना और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो
तब फाइंड करना जब एफ अकर कर चुका हो, तो तब तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी, क्योंकि ई और एफ जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, या इन शॉर्ट ई जो है वो एफ पर डिपेंड करता है अगर, तो फिर एफ अगर कर चुका है या नहीं अगर कर चुका, दोनों केसेस में ई की प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफरेंट होगी। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी अगर जो है इवेंट ई एफ पर डिपेंड नहीं करता, तो फिर एफ अगर करे या ना अगर करे उससे ई की प्रोबेबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ के, ठीक है। ये भी आगे ये करना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ की नोटेशन को समझ लें, कि जब भी ई गिवन एफ लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि दो इवेंट्स हैं, एक ई और एक एफ। जो पहले इवेंट आ रहा है प्रोबेबिलिटी उसी की फाइंड कर रहे हैं हम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ई की ही फाइंड कर रहे हैं, लेकिन गिवन दैट एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, एक इवेंट एफ है और चांसेस हैं कि ई जो है वो एफ पे डिपेंड करता होगा, तो एफ अगर अकर कर चुका ऑलरेडी तो फिर ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ई जो है वो एफ पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो सेम होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ के, अगर ई एफ पे डिपेंड नहीं करता। तो इस वजह से एफ अकर कर चुका हो या ना अकर कर चुका हो उससे ई की प्रोबेबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब आगे ऑब्जर्व करेंगे हम कि इंडिपेंडेंट इवेंट जब होंगे ई और एफ एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, तब एफ के अकर करने से ई पे फ़र्क नहीं पड़ेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बराबर ही आएगी, ठीक है। लेकिन अभी हम क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टडी करने लगे हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ई जो है वो एफ पे डिपेंड करता है, तो इसलिए अगर एफ अकर कर चुका हो तो फिर ई की प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ बन जाएगी, और अगर ई अगर एफ अकर ना कर चुका हो तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ही अलहदा ही रहेगी। लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारा फोकस अब यही है कि जब एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड करता है, तो फिर जब वो इवेंट अकर कर चुका हो तो फिर नए इवेंट की प्रोबेबिलिटी अंडर सम कंडीशन कैसे फाइंड करनी है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इवेंट्स, और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो कि अकर कर चुका हो, यानी कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करनी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करनी है और अजम्पशन ये है कि एफ जो है वो अकर कर चुका है और ई जो है जो एफ पे डिपेंड करता है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये नीचे इवेंट वो वाला है जो पहले से अकर कर चुका है उसी को आपने नीचे रखना, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में वो वाला इवेंट की प्रोबेबिलिटी आनी है जो पहले से अकर कर चुका होगा, और न्यूमिनेटर में उन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसी रिस्पेक्ट से अगर आपने प्रोबेबिलिटी लिखनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, तो वो क्या हो जाएगा, कौन बता रहा है मुझे, एफ गिवन ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई क्या होगी सर, पी एफ ई ओवर पी ई। बिल्कुल सही कि न्यूमरेटर यही रहेगा और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगी, और अजम्पशन यहाँ पे क्या चल रही है, आप देखें कि डिनोमिनेटर ऑब्वियसली ज़ीरो नहीं होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी है नेगेटिव तो वैसे ही नहीं होगी, इसका मतलब है ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो कि अकर ऑलरेडी कर चुका है। और इसकी एक और अच्छी इंटरप्रिटेशन ये है कि जो इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है तो इसका तो मतलब ये है कि वो तो अकर ही नहीं किया, तो आप तो ये कह रहे हैं कि वो तो इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होना ना तो फार्मूला उसको सपोर्ट करता है और ना ही लॉजिकली वो बात समझ में आती है कि आप कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, तो अगर एफ अकर कर चुका है तो उसके अकर करने की कोई ना कोई पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होगी, अगर वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि वो तो अकर कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। आपने अभी प्रोबेबिलिटीज़ देख ली हैं एग्जांपल्स, ज़ीरो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी तभी होती है जब वो इवेंट अकर ही ना कर सकता हो, जैसा कि मैं कहूँ कि आप एक डाइस को जो है वो टॉस करें और उस डाइस की आउटकम जो है वो सेवन आ जाए एक डाइस के ऊपर, तो आप कहेंगे कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है क्योंकि ये इवेंट तो अकर ही नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो आपने एफ इवेंट अज्यूम किया है कि वो ऑलरेडी अकर कर चुका है, उसके अकर करने की प्रोबेबिलिटी लाजमी पॉजिटिव होनी चाहिए तभी वो अकर करेगा, अदरवाइज ज़ीरो प्रोबेबिलिटी में तो वो अकर ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको याद रहेगा और इसको समझ आ रहा है कि ये जो है हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अंडर अ कंडीशन दैट सम अदर इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक हो गया, फार्मूला याद रहेगा सर। एग्जैक्ट जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन जीरो से ग्रेटर देन या जीरो पॉइंट समथिंग हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जीरो पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वन से तो कम ही रहनी है, प्रोबेबिलिटी है वन या वन से कम, लेकिन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो
के ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन और इक्वल टू वन, तो ये इसके दरमियान में ही वेरी कर सकती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. ठीक है, ओके. अगर एग्जांपल जीरो आ जाए तो फिर अक्कर नहीं करेगा, ऐसा ही होगा ना. ऑब्वियसली जीरो आ जाए तो ये पहली बात तो ये कि ये इन्फिनिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी. ठीक है ना, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया. और दूसरी बात ये कि जीरो आने का मतलब ये है कि ये इवेंट अक्कर नहीं कर सकता. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि एफ अक्कर नहीं कर सकता. अगर एफ अक्कर नहीं कर सकता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ बिल्कुल मीनिंगलेस चीज़ है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड. बात समझ रहे हैं आप? जी सर. हाँ ठीक हो गया. तो क्योंकि जब आप कह रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ई की फाइंड करें गिवन दैट इवेंट एफ अकर कर चुका है, तो अगर इवेंट एफ अकर कर चुका है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि कोई इवेंट अकर जब करता है तो उसकी कोई ना कोई पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होती है. जो इवेंट अकर ना कर सकता हो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है. अच्छा जी, अब आ जाए एग्जांपल नंबर 2A पे, और ये इस टॉपिक की पहली एग्जांपल है. ठीक है, इससे पहले मैंने आपसे कहा था वो पिछला पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन के लिए पढ़ लीजिएगा जो इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था. ओके, लेकिन मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की. नाउ अ स्टूडेंट इज टेकिंग एन वन आवर टाइम लिमिट मेकअप एग्जामिनेशन. ठीक है, वो टाइम लिमिट है, वन आवर का एग्जाम है उसका. सपोज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल फिनिश द एग्जाम इन लेस देन x hours is x by 2. ठीक है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल फिनिश द एग्जाम इन लेस देन x hours is x by 2. ठीक है, अब ये x वेरी करेगा ऑब्वियसली, और वो x जो है वो 0 से 1 के दरमियान में वेरी कर सकता है. और ये x क्या चीज़ है? ये नंबर ऑफ आवर्स ही होंगे, टाइम का ये उसने वेरिएबल ले लिया. तो अगर ये टाइम वेरिएबल जो है ये 0 से 1 के दरमियान में वेरी करता है, क्योंकि टोटल एग्जाम का टाइम ही 1 आवर है, तो x को 0 से 1 के दरमियान वेरी किया. अगर ये एग्ज़ाम जो है ये 3 आवर होता तो हम x को 0 से 3 ले लेते. ठीक है, तो वेरिएशन आपने खुद ही इसकी यहाँ से समझ लेनी है. सो तो अब ये एग्ज़ाम 1 आवर था और उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी के स्टूडेंट जो है वो फिनिश करेगा एग्ज़ाम को इन लेस देन x आवर्स इज x बाई 2. ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है और x की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान वेरी कर रही है. देन गिवन दैट द स्टूडेंट इज स्टिल वर्किंग आफ्टर 0.75 आवर्स. अब कंडीशन, अब इन्फॉर्मेशन क्या है कि गिवन दैट, अभी गिवन दैट जब लिखा हुआ आएगा ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन की सबसे बड़ी पहचान यही है कि आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी कि गिवन दैट या अंडर द असम्पशन या सपोज दैट कि ये हो चुका है. ठीक है, अब ये क्या हो चुका है? यहाँ पे हुआ ये है कि 0.75 आवर्स पर भी स्टूडेंट अभी तक बैठा हुआ काम कर रहा है, तो ये तो अब गिवन इन्फॉर्मेशन होगी ना. हो सकता था 1 आवर का एग्जाम बच्चा आधे घंटे में करके उठ जाता विद द प्रोबेबिलिटी एक्स आवर्स एक्स बाई 2, क्योंकि 1/2 आवर्स हैं और 1/4, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होती के बच्चा जो है वो 30 मिनट्स में एग्जाम कर ले. ठीक है, लेकिन अब हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिल गई है? हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि 0.75 आवर्स यानी कि 45 मिनट हो चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट अभी तक जो है वो एग्ज़ाम कर रहा है. बट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ही दैट द फुल आवर इज़ यूज्ड. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पूरा एक घंटा इस्तेमाल किया जाएगा. ठीक है, अंडर द अजम्पशन के 0.75 आवर्स पे भी स्टूडेंट अभी तक काम कर रहा है. ठीक हो गया, तो आपको इसके सबसे पहले आपने जो जो इसमें इन्फॉर्मेशन है उसको इवेंट्स की फॉर्म में, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इवेंट्स की फॉर्म में नाम रख लें मुख्तलिफ इवेंट्स के, और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है प्रोबेबिलिटी की उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लें अपने पास कि ये इन्फॉर्मेशन है और ये प्रोबेबिलिटी आपको पता है. अब सॉल्यूशन में क्या किया उसने, वो सबसे पहले Lx एक इवेंट डिफाइन कर लिया. ठीक है, उसने एक इवेंट डिफाइन कर लिया. लेट Lx डिनोट द इवेंट दैट द स्टूडेंट फिनिशेज द एग्जाम इन लेस देन एस आवर्स. ये वही स्टेटमेंट है जो उसने अपने एक्स इवेंट के लिए दी थी कि सपोज कर लो, देखो आपने जब क्वेश्चन रीड किया तो आपने यहीं से इवेंट बना लिया. सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल फिनिश द एग्जाम इन लेस देन एक्स आवर्स इज एक्स बाई 2. अब ये स्टेटमेंट थी ना, उसने इसका इवेंट बना लिया. उसका इन्फॉर्मेशन यही थी कि स्टूडेंट विल फिनिश द एग्जाम इन लेस देन एक्स आवर्स इज एक्स बाई 2, तो यही इवेंट बन गया कि लेट एक्स Lx डिनोट द इवेंट दैट स्टूडेंट फिनिशेज द एग्जाम इन लेस देन एक्स आवर्स. ठीक हो गया, वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0-1 क्लोज इंटरवल. तो फिर ये आपका Lx इवेंट आ गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ Lx कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ Lx हो जाएगी x by 2. ठीक हो गया, ये उसने, ये ऑब्वियसली हमें पता चल गया यहाँ से कि ये Lx वो इवेंट है कि स्टूडेंट x आवर्स पे भी x आवर या उससे पहले जो है वो अपना एग्जाम ख़त्म कर लेगा लेस देन एक्स आवर्स. और प्रोबेबिलिटी ऑफ Lx कितनी होगी? x by 2.
और यहाँ पे एक्स जो है वो वेरी करता है 0-1 के दरमियान, और ये मैंने सिर्फ लिख दिया यहाँ पे कि एक्स बिलोंग करता है 0-1 के दरमियान। तो ये आपकी पहली इन्फॉर्मेशन आ गई क्वेश्चन में से ही, आपने जो पहली स्टेटमेंट थी उसको इवेंट की फॉर्म में लिख लिया। नाउ लेट एफ बी द इवेंट दैट द स्टूडेंट यूजेज द फुल आवर, क्योंकि आपको जो गिवन प्रोबेबिलिटी चाहिए जो आपने फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी दैट द फुल आवर इज यूज, आपने उसका नाम रख लिया इवेंट का। लेट एफ डिनोट द इवेंट दैट द स्टूडेंट यूजेज द फुल आवर, तो आपने दो इवेंट्स का नाम रख चुके हैं अब तक आप, एक एल एक्स के स्टूडेंट जो है वो एक्स आवर से पहले एग्जाम खत्म करेगा, और दूसरा एफ के स्टूडेंट फुल आवर यूज करेगा। ठीक है, बिकॉज एफ इज द इवेंट दैट द स्टूडेंट इज नॉट फिनिश्ड इन लेस देन एक्स आवर। अब देखें, अगर स्टूडेंट फुल आवर यूज करता है तो इसका मतलब तो यही है ना कि एक्स आवर से पहले उसने अपना एग्जाम खत्म नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये एल एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लॉजिकली इसको देखो कि स्टूडेंट ने पूरा घंटा इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये है कि उसने एक्स आवर्स से पहले एग्जाम ख़त्म नहीं किया एक्स क्यू सी वेरिएशन के लिए, तो इसका मतलब है कि जो एल एक्स इवेंट था और जो एफ इवेंट है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। सही है ना, ये बात समझ आ रही है कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, क्योंकि आपने एल एक्स जो इवेंट था वो था कि एक्स आवर से पहले एग्जाम ख़त्म होगा, और एफ इवेंट है कि पूरे घंटे पे भी एग्जाम ख़त्म नहीं हुआ, तो ये तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बन गए। तो इस वजह से क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, तो आपने लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एल वन कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एक्स आवर्स में आप अगर एक्स को वन रखेंगे तो इसका मतलब है कि एक घंटे से पहले एग्जाम ख़त्म नहीं हुआ, और एफ है कि पूरा घंटा जो है वो इस्तेमाल किया, यानी कि घंटा से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, तो ये एल वन कॉम्प्लीमेंट बन गया एफ जो है। और L1 कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड कर सकते हो कि ये 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ L1 माइनस करेंगे तो L1 कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये कल हमने जो ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी कि किसी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है कि 1 में से उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो उसकी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो L1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, x को 1 रख दें, x को 1 रख के L1 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और x को 1 पुट करने पर जो L1 की प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आपने यहाँ पर रख दी कि वो 0.5 है। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट द फुल आवर इज़ यूज्ड इज इक्वल टू 0.5, लेकिन अब उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी चाहिए थी, अभी तो ये सिर्फ एफ की प्रोबेबिलिटी आई है, उसको यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी चाहिए। नाउ द इवेंट दैट द स्टूडेंट इज स्टिल वर्किंग एट 0.75, इसका इवेंट क्या बनना चाहिए अब, कि अब ये फिर वही बात है कि एक्स आवर से पहले अगर एग्ज़ाम ख़त्म करता है तो एल एक्स है, 0.75 आवर से पहले एग्ज़ाम ख़त्म करता है तो L 0.75 है, लेकिन अगर 0.75 आवर्स पे भी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ तो इवेंट है L 0.75 कॉम्प्लीमेंट। सही हो गया, तो L 0.75 कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो इवेंट बन जाएगा कि स्टूडेंट इज स्टिल वर्किंग एट 0.75 आवर्स। सही हो गया। नाउ अब ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये है प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट यूजेज द फुल आवर्स गिवन दैट स्टूडेंट इज नॉट फिनिश्ड एट 0.75 आवर्स। ठीक हो क्या। अब जो दो इवेंट्स के आपने नाम रखे हैं उनकी बेस पे आपने जो गिवन स्टेटमेंट थी उसकी मैथमेटिकल इवेंट्स वाली फॉर्म बना ली है। सही है ना। अब इन दो चीज़ों को यूज़ करो जो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखी हैं। एल एक्स इज द इवेंट दैट स्टूडेंट इज नॉट फिनिश्ड इन लेस देन एक्स आवर्स। हाँ, एल एक्स इज द इवेंट दैट स्टूडेंट इज फिनिश्ड इन लेस देन एक्स आवर्स। एफ इज द इवेंट दैट फुल आवर इज यूज। अब प्रॉबिलिटी जो उसने क्वेश्चन पूछा था, वट इज़ द कंडीशनल प्रॉबिलिटी दैट फुल आवर इज़ यूज गिवन दैट स्टूडेंट इज स्टिल वर्किंग एट 0.75 आवर्स। तो ये वही इवेंट हो गया कि प्रॉबिलिटी दैट एफ गिवन एल 0.75 कॉम्प्लीमेंट, एफ है कि फुल आवर इज़ यूज, और गिवन दैट है कि ऑलरेडी क्या हुआ है कि 0.75 पे एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ, 0.75 पे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका होता तो एल 0.75 बन जाता, लेकिन 0.75 आवर पे एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ तो L 0.75 कॉम्प्लीमेंट आपने यहाँ पे रखा है। ठीक है, यहाँ पे। सो अब इसको आप सॉल्व कर लें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूला से। आपको पता है कि पहले उन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा और डिवाइड में जो इवेंट अकर कर चुका उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, फुल आवर इज यूज एंड 0.75 आवर्स पे, वन आवर से ज़्यादा एग्जाम के लिए चाहिए या 0.75 आवर्स से ज़्यादा एग्जाम के लिए चाहिए। सही हो गया। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, यानी कि अगर आपसे आपको कहा जाए कि दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट है कि स्टूडेंट को एक घंटे से ये 1 है और ये 0.75 है, 0.75। तो एक इवेंट है कि उसको स्टूडेंट को एक घंटे से ज़्यादा चाहिए एग्ज़ाम के लिए,
और दूसरा इवेंट है कि स्टूडेंट को 0.75 आवर्स ज़्यादा चाहिए एग्ज़ाम के लिए, तो इन दोनों इवेंट्स में इंटरसेक्शन क्या है? इन दोनों में इंटरसेक्शन जो है वो ये है कि एक घंटे से ज़्यादा चाहिए भाई, क्योंकि दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है जो दोनों में कॉमन आ रही है वही दोनों के इंटरसेक्शन में आएगी ना। तो अगर उसको एक घंटे से ज़्यादा चाहिए और उसको 0.75 आवर्स ज़्यादा चाहिए, तो दोनों में कॉमन ये है कि उसको एक घंटे से ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आ गया वो पी ऑफ एफ आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में फिर से कॉम्प्लीमेंट वाला प्रोपोजिशन के 0.75 कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 माइनस PL 0.75, और PL 0.75 भी ऊपर निकाल चुके हैं, पी ऑफ एफ भी निकाल चुके हैं, दोनों का पुट करेंगे 0.8 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के उसने फुल आवर यूज़ किया है गिवन दैट 0.75 आवर्स पे एग्जाम ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल समझ आइए। चलें जरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो मैंने सर ये ऊपर वाले में क्यों नहीं कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्व किया, नीचे वाले में किया है सॉल्व, ये जो ओवर में आ रहा है। हाँ, और ऊपर वाले को कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि वो अकेला नहीं है, ऊपर में दो इवेंट हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एल 0.75 कॉम्प्लीमेंट। तो जब उन दोनों का इंटरसेक्शन है तो अगर तो आप उन दोनों का इंटरसेक्शन पहले फाइन कर सकते हैं तो वो करें, तो क्योंकि आप ई और एफ एफ़ और एल 0.75 कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं आप, तो वो आपने पहले इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया, उसका जवाब एफ आ गया। अगर तो ये सिंगल इवेंट के तौर पे जवाब आता और वो भी कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में होता तो फिर उसको प्रोबेबिलिटी के कॉम्प्लीमेंट का तरीका लगा लेते हैं। फिलहाल जो है वो एफ और एल कॉम्प्लीमेंट दोनों इकट्ठे पड़े हुए यहाँ पे, पूरे का पूरा इवेंट जो प्रोबेबिलिटी के अंदर है वो पूरे का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं है। अगर वो होता तो उसको वन में से माइनस कर लेते, लेकिन फिलहाल सिर्फ L जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, F जो है वो कॉम्प्लीमेंट टाइप का नहीं है, तो इसलिए अभी आपने उस पे ये काम नहीं किया। ठीक है सर, इनका जी सर, सर ये F तो फुल के लिए ना, और जो LX है वो तो हाफ के लिए है, तो जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हाफ नहीं आएगा? नहीं, इंटरसेक्शन में वो चीज आएगी जो दोनों में है। अब मुझे बताएं दोनों में क्या चीज है, क्योंकि आपको अगर एक स्टूडेंट है वो मुझे कहे कि मुझे एक घंटा चाहिए, एक दो स्टूडेंट है, एक कहे कि मुझे एक घंटा चाहिए, दूसरा कहे कि मुझे 0.75 आवर्स चाहिए, तो क्या ऐसा टाइम स्लॉट है जिसमें दोनों अपना काम कर लें? सोचें। वन आवर दूंगा मैं, तो वन आवर वाला भी अपना काम कर लेगा, 0.75 वाला भी अपना। सही, वन आवर जो है ये तो यानी दोनों का आ रहा है ना, तो ये यूनियन आ रहा है, तो अगर इंटरसेक्शन यानी जो दोनों से कॉमन जा सके दोनों में वो फिर नहीं, ये यूनियन ही है दोनों का, ये यूनियन ही है, यहाँ पे आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन ही फाइन किया है। ये असल में इवेंट इस टाइप का था कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो लग रहा है कि इन दोनों से बड़ा है, ये असल में टाइम की बात हो रही है, तो आपने ये यूनियन नहीं किया है, ये कोई नंबर्स नहीं है कि 1+1 2 कर दिया आपने तो ये जो है वो कम्बाइन हो गया, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे आपने इन दोनों, ये दोनों टाइम स्लॉट्स थी कि इतना टाइम एक को चाहिए, इतना टाइम दूसरे को चाहिए, अब दोनों के लिए कॉमन टाइम क्या है जिसमें दोनों का काम हो जाए, तो ये आपने कंबाइन नहीं किया, ये आपने इंटरसेक्शन ही फाइंड किया दोनों के टाइम स्लॉट्स का। ठीक है, तो ये जो था ये यूनियन नहीं था, ये आपने इंटरसेक्शन फाइंड किया इन दोनों का। ठीक है, ओके सर।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ओके, ये यार ये पता नहीं क्या है, वो एकदम से कोई अपडेट इसने खुद ही शुरू कर दिया। अच्छा जी, चलें, आपको स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया दोबारा, मेरा ख्याल है ये अभी चंद सेकंड में हो जाएगी। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप, सही है। अच्छा, क्वेश्चन कोई स्टूडेंट अभी कर रही थी मेरे से, तो उसके दौरान में ये रिस्टार्ट हो गया। आपको समझ आ रही है कि ये कैसे आपने दोनों इवेंट्स की इंटरसेक्शन फाइंड किया है? जी सर, आ रही है सर। बस ये नहीं पता चल रहा कि आप कह रहे हैं 0.75 आता है अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, वन का और इसका। तो अब देखें ना, पॉइंट अगर तो आपको ये कहा जाता ना कि एक सेट है उसमें 0 से 0.75 तक की वैल्यूज हैं और 0 से 2 सेट है उसमें 0 से 1 तक की वैल्यूज हैं, उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो फिर तो आप उसका इंटरसेक्शन 0.75 ले लेते 0 से 0.75, क्योंकि वो उन दोनों में से छोटी वैल्यू है, उन दोनों में कंटेन करती है। लेकिन इस वक्त ये दो इवेंट्स हैं और ये एक इवेंट है कि आपको एक घंटा या उससे ज़्यादा चाहिए और दूसरा इवेंट है कि आपको 0.75 आवर्स या उससे ज़्यादा चाहिए। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? अब ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के हैं ना, ये आप ये समझ लें कि एक है 0.75 से इन्फिनिटी तक का इवेंट और दूसरा है 1 से इन्फिनिटी तक का इवेंट। अब इंटरसेक्शन बताएं मुझे। सर क्या कहा आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो ये दो इवेंट्स हैं ये इस तरह से हैं कि जैसे आपको एफ इवेंट क्या कहता है, एफ इवेंट में क्या है आप मुझे बताएं, एफ इवेंट क्या कहता है कि आपको कितना टाइम चाहिए? फुल ऑल आवर। इसका मतलब है कि आपको कम से कम एक घंटा चाहिए, यानी कि एक घंटा या उससे ज़्यादा। और एफ और एल 0.75 कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? L.75 कॉम्प्लीमेंट क्या इवेंट है, क्या कहता है इस इवेंट के मुताबिक आपको कम से कम 0.75 आवर्स चाहिए, ठीक है। जो L.75 है वो कहता है कि लेस देन 0.75 आवर्स और इसका कॉम्प्लीमेंट कहता है कि ग्रेटर देन 0.75 आवर्स, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि एक इवेंट है कि कम से कम एक घंटा चाहिए, दूसरा इवेंट है कि कम से कम 0.75 आवर्स चाहिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? एक में वैल्यूज़ हैं 1 से इन्फिनिटी तक और दूसरे में वैल्यूज़ हैं 0.75 से इन्फिनिटी तक, इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन बताएं मुझे।
सर वो 0.75 वाले आएगा। सर इंटरसेक्शन कर रहे हैं ना, तो इंटरसेक्शन में छोटी चीज नहीं आ जाती, यूनियन में आती है सारी इकट्ठी होकर बड़ी हो। अरे नहीं 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 नहीं, एक मैं आप यूं कह रहे हैं कि इवेंट होंगे तो हम इस तरह से ले लेंगे, इवेंट इस तरह से चलेगा ये आप कह रहे हैं। लिसन लिसन मैं बताता हूँ, आप कुछ बच्चों को समझ आ गया, अभी किसी ने कमेंट नहीं किया, मैं बताता हूँ। एक है एक इवेंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं एक बार हाईलाइट कर लूँ। हाँ जी 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 सही बात है। वो 0.7 से स्टार्ट हो रही है और इन्फिनिटी तक जा रही है, और दूसरा जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक, तो उसमें कॉमन 1 ही आएगा, फिर कॉमन 1 आ जाएगा, यही बात है। मैं इनको हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि एक इवेंट है कि 1 से लेके, आप मेरी जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखें, 1 से इन्फिनिटी तक एक इवेंट है और ये है एफ। ये कहता है कि आपको कम से कम एक घंटा चाहिए, तो उसके लिए जो रीजन आएगा आर पे वो 1 से और उसके बाद से, ये सारा हाईलाइट कर दिया मैंने। दूसरा इवेंट है आपको 0.75 या इससे ज़्यादा टाइम चाहिए, और इस इवेंट का नाम है L.75 कॉम्प्लीमेंट, और इसके मुताबिक आपने 0.75 और उससे ऊपर की सारी वैल्यूज हाईलाइट कर दी। तो अब मुझे ये बताएं कि इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है। मैं एक है 1 से इन्फिनिटी और एक है 0.75 से इन्फिनिटी, तो लाइनों दोनों लाइंस को कंपेयर करें तो इन दोनों लाइंस की ओवरलैपिंग कहां से कहां तक। जी जी सर ये 1 वाली जा रही है, 1 वाली कॉमन है। असल में यही बात है कि 1 से इन्फिनिटी तक का रीजन कॉमन दोनों में आ रहा है। अब इस केस में क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री टाइप के हैं, तो इसलिए अब इनमें जो बड़ी वैल्यू है वो इंटरसेक्शन के तौर पे आ गए। तो आपने असल में नेचर देखनी है चीज़ों की, ज़रूरी नहीं है छोटी वैल्यू कॉमन हो, छोटी वैल्यू वो अलग सिनेरियो हो सकता है जब वो कॉमन हो। अभी फ़िलहाल हमें जिस तरह की चीज़ें चाहिए इवेंट्स, उसमें 1 आवर जो है वो कॉमन इंटरसेक्शन के तौर पर आ रहा है। मैंने एक और एग्जाम्पल आपको इसकी दी थी, मैंने कहा था कि दो स्टूडेंट हैं, एक को कम अज़ कम एक घंटा चाहिए एग्ज़ाम के लिए, दूसरे को कम अज़ कम 0.75 आवर्स चाहिए एग्ज़ाम के लिए, तो मैं कितना टाइम दूं कि दोनों अपना काम कर लें। तो इससे भी बिल्कुल क्लियर है कि मैं एक घंटा दूं तो तभी दोनों अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि जिसको 0.75 आवर्स चाहिए वो तो एक घंटे में भी कर लेगा, लेकिन जिसको कम अज़ कम एक घंटा चाहिए वो 0.75 आवर्स में नहीं कर सकता काम, ठीक है। तो इसलिए एक घंटा ही दोनों के इंटरसेक्शन में आता है। तो इस नेचर को देखा जाए तो इसलिए उसने इन दोनों के जो इंटरसेक्शन हैं उसके जवाब में उसने एफ इवेंट जो है वो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में पुट कर दिया, के उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो असल में है फुल आवर इज यूज्ड और नीचे जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। आप समझ आ रही है एग्जांपल ये सारी, ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन है अब यहाँ से? सर इसकी वैल्यू क्या पुट की है PL 0.75 की डिनोमिनेटर थी ना, क्वेश्चन ये थी कि कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, वन में से एल की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो आपको मिल डिनोमिनेटर में कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, वो गिवन वाला इवेंट था। सर आपकी आवाज़ कट जाती है दरमियान में, आप अपना माइक म्यूट कीजिए ज़रा, और जब आपने पूछना हो क्वेश्चन फिर दोबारा अनम्यूट करना। ओके अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में इवेंट पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर में आपने उसकी प्रोबेबिलिटी रखी है इस इवेंट की, जो इवेंट अकर कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है, और वो था L.75 कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी या वो जो प्रोपोजिशन कल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी उसके मुताबिक आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि 1 में से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आपने L.75 कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली, 1 में से L.75 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी है तो कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई, और वो प्रोबेबिलिटी L.75 की अपनी प्रोबेबिलिटी वो आपने यहाँ से जो उसकी अपनी डेफिनेशन है वहाँ से फाइंड कर ली। कैसे फाइंड करोगे, 0.75 आपने जस्ट यहाँ पे Lx की प्रोबेबिलिटी में रखना है, क्योंकि शुरू में जो Lx इवेंट डिफाइन किया ना उस Lx की इवेंट की प्रोबेबिलिटी में आपने x को 0.75 रखना है तो L.75 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, वो आपने 1 में से माइनस करनी है तो ये 0.625 आ जाएगा, ये आप खुद वेरीफाई करें करके, और फिर जब इनको डिवाइड करेंगे तो आपको 0.8 मिल जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अच्छा आप पूछें कोई क्वेश्चन। जी सर ठीक है, गुड वेरी गुड।
अच्छा ये एक प्रोबेबिलिटी, एक आपने एग्जांपल देख ली, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे जो है, जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे होते हैं तो आप अज्यूम कर लेते हैं कि एक इवेंट अकर कर चुका है, उस इवेंट के अकर करने के बाद आपने देखना होता है कि जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए क्या उस इवेंट के अकर करने पर कोई फ़र्क पड़ रहा है जो इवेंट अकर कर चुका है उसकी वजह से कि नहीं, ठीक है। हो सकता है कभी कभी कि उस इवेंट पर फ़र्क पड़ ही ना हो रहा हो कि पहले क्या हुआ है, कभी कभी ऐसा होगा कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, आपको कहा जाता है कि कोई और इवेंट अकर कर चुका है लेकिन उसके अकर करने से आपके नए वाले इवेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उस वक्त उसकी प्रोबेबिलिटी फिर अनचेंज रहती है। तो हो सकता है कुछ एग्जांपल ऐसी भी आएँ, लेकिन चलें अभी देखते हैं 2B में। 2B में ये हो रहा है कि एक कॉइन को फ्लिप किया, ठीक है। अब ये जो कॉइन और डाइस टाइप के होते हैं एक्सपेरिमेंट, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहले डाइस पे क्या आया था तो दूसरे डाइस पे अब क्या आएगा, क्योंकि पहले डाइस पे जो आया था वो भी इंडिपेंडेंट था, दूसरे डाइस पे जो आना है वो पहले डाइस की वजह से नहीं आना, दूसरे डाइस पे इंडिपेंडेंटली आना है जो भी आना, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों में, कॉइन में और डाइस वगैरह में ये ध्यान रखना है कि एक डाइस दूसरे डाइस को डिपेंड नहीं करता है कि एक डाइस पे 6 आएगा तो दूसरे पे 6 आएगा, एक डाइस पे अपना अलग से 6 आना इंडिपेंडेंटली, दूसरे डाइस पे अपनी वैल्यू इंडिपेंडेंटली आनी है, किसी इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं आनी। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अ कॉइन इज़ फ्लिप ट्वाइस, ठीक है, एक कॉइन को दो बार आपने फ्लिप किया। अज्यूमिंग दैट ऑल फोर ऑफ द सैम्पल स्पेस, और सैम्पल स्पेस आपको पहले ही बनानी आती है इसकी, उसने भी बना के दिखा दी है। अज्यूमिंग दैट ऑल फोर ऑफ द पॉइंट्स इन द सैम्पल स्पेस आर इक्वली लाइकली, मैंने आपको बताया था कि इक्वली लाइकली क्या होता है, मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा ये कि इक्वली लाइकली क्या होता है? हाँ जी, कोई बता रहा है इक्वली लाइकली इवेंट कौन से होते हैं? तो जिसमें सेम सेम आ जाए एक जैसे। सेम क्या चीज आ जाए, इवेंट सेम आ जाए कि कोई और चीज? मैंने लास्ट लेक्चर में उसकी आउटकम, आउटकम थोड़ा सा और करीब आए, अभी नहीं इसका सही जवाब। क्या सेम होना चाहिए जिससे इवेंट इक्वली लाइकली हो जाए? इक्वली कौन से होते हैं? काशान माइक म्यूट कर दें अगर आपने कुछ पूछना नहीं है। अच्छा हाँ जी, अभी भी नहीं किसी को? चले मैं बताता हूँ। इक्वली लाइकली इवेंट्स वो होते हैं जिनके अकर करने की प्रोबेबिलिटीज सेम हो, यानी कि आपने जब डाइस रोल किया है तो उस वक्त 1 से लेके 6 तक के जितने चीज़ें आ सकती हैं इवेंट्स, उन सब की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी है। हालांकि इवेंट्स अलग अलग हैं कि 1 आएगा अलग इवेंट है, 2 आएगा अलग इवेंट है, 3 आएगा अलग है, 5, 4, 5, 6 सब अलग अलग इवेंट्स हैं, बट उनके सबके अकर करने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है 1/6। तो इन इवेंट्स को कहते हैं कि दीज इवेंट्स आर डिफरेंट बट देयर चांसेस टू बी अकर्ड आर सेम। तो ऐसे इवेंट्स जिनके अकर करने के चांसेस एक जैसे हों उन्हें कहते हैं कि दीज इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, कि ये सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं, सब एक जैसे हैं, इनकी लाइकलीनेस अकर करने की सबकी एक जैसी है, कि ये सारे एक जैसे ही हैं अकर करने के लिहाज से। तो आपने अगर चूज़ करना हो कि 1 से 6 में के में से आप चूज़ करेंगे कौन सा है, आपने कोई गेम खेलनी हो जिसमें आपको कहा जाए कि 1 के आप अगर सही गेस करेंगे तो आपको कोई प्राइज दिया जाएगा, तो आप ये ना समझें कि आप 1 चूज़ करना चाहिए कि 6 चूज़ करना चाहिए, सारे इक्वली लाइकली हैं, इन सब के अकर करने के चांसेस एक जैसे हैं, जो भी आएगा वो बिल्कुल रेंडम और लक पे होगा, वो उसमें आपकी कोई उसमें नहीं है काबिलियत के क्या लेके आए हैं, ठीक है, जैसे लूडो खेलते हो आप लोग। ओके, सो ये सारे इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, कोई भी आ सकता है इसमें। नाउ अब करना क्या है आपने, व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ फ्लिप्स लैंड ऑन हेड्स। अब ये देखें प्रोबेबिलिटी तो आपको सिंपल समझ आ रही है, व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ फ्लिप्स लैंड ऑन हेड्स, दोनों जो आपने दो बार जब आपने कॉइन टॉस किए तो दोनों फ्लिप्स जो हैं दोनों बार आपका हेड ही आया है, ये आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेकिन कंडीशनल है और उसमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन दैट ये आपने क्लियरली रीड करना है और आपने इस लाइन को ढूंढना है कि गिवन दैट हो सकता है कि एग्जैक्ट इसी फॉर्म में लिखा हो गिवन दैट, ये क्योंकि पहली दो एग्जांपल्स हैं तो इसलिए उसने गिवन दैट को बड़ा प्रिसाइजली लिखा है कि आपको नज़र आ जाए कि गिवन दैट यहाँ लिखा हुआ है और इसके बाद वाली जो चीज़ है वो कंडीशन में रखनी है आपने,
लेकिन हो सकता है कभी कभी वो मिक्स स्टेटमेंट दे दे कोई एम्बिगुअस या ऐसी, तो आपने समझना है उसमें कि इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हो चुकी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसकी आपने प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है। अभी तो क्लियर नज़र आ रहा है कि गिवन दैट अब उसने बता दिया कि प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों जो हैं वो हेड्स पे हेड्स आए दोनों पॉइंट्स पे, और गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, द फर्स्ट फ्लिप लैंड्स ऑन अ हेड, ये पार्ट ए है कि गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि फर्स्ट फ्लिप जो है वो हेड पे हो, और तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों फ्लिप्स जो हैं वो हेड्स पे हों, ठीक है, फाइंड करनी होगी। और दूसरी प्रोबेबिलिटी दूसरा केस भी अलग से करना है आपने, और दूसरा केस ये है कि एटलीस्ट वन फ्लिप लैंड्स ऑन हेड्स, ठीक है, कि कम अज़ कम एक फ्लिप जो है वो हेड पे लैंड करे। तो ये दोनों बारी बारी आपने रखनी है, पहले ए रखते हैं और फिर करते हैं इसको। अच्छा जी, इसको भी अरेज कर दूँ। अच्छा, मैं अंडरलाइन कर दूँ प्रोबेबिलिटी फाइंड क्या करनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट, मैं सिर्फ इवेंट हाईलाइट कर दूँ, बोथ फ्लिप्स लैंड ऑन हेड्स, ये प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपने प्रोबेबिलिटी लिखनी शुरू कर दी, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ फ्लिप्स लैंड ऑन हेड, यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर आएगा गिवन दैट, और फिर आएगा जो सेकंड कंडीशन उसने दी हुई है ए पार्ट में, वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो आपने इस तरह से अरेंज करना है क्वेश्चन को। अब देखें, ओके, अब इसको लेके चलते हैं, इवेंट्स का नाम रख लेते हैं, लेट बी इज द इवेंट दैट बोथ फ्लिप्स लैंड ऑन हेड्स, ठीक है, ये उसने बी इवेंट का नाम रख लिया कि बोथ फ्लिप्स लैंड ऑन हेड्स, ठीक है। तो यानी कि जो पहला जो असल में इवेंट आपको चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने मेन फाइंड करनी है, स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ें ज़रा, जो मेन प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है वो यही थी कि बोथ फ्लिप्स लैंड ऑन हेड्स, जो मैंने अंडरलाइन की हुई है, और कंडीशन के बाद वाली जो चीज़ है उसको मैं नंबर टू कह रहा हूँ, वो ये है, ठीक है, और कंडीशन से पहले जो मेन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो नंबर पार्ट वन है वो आपका, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पार्ट वन और पार्ट टू के तौर पे इसको सॉल्व करना, पार्ट वन जो मेन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पार्ट टू जो कंडीशन आपको दी गई है जिस कंडीशन में फाइंड करनी है। नाउ पार्ट वन के लिए जो इवेंट था कि बोथ फ्लिप्स लैंड ऑन हेड्स, उसके लिए आपने बी नाम रख लिया इवेंट का, के प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड्स, बी द इवेंट दैट बोथ फ्लिप्स लैंड ऑन हेड्स, लेट एफ बी द इवेंट दैट, अब ये एफ को जब आप रीड करोगे तो ये क्या नज़र आ रहा है, एफ के अंदर क्या हो रहा है, एफ में एक बार दो हेड्स हैं, एक बार एक हेड है, ठीक है, और ये कौन सा इवेंट होगा, द इवेंट दैट द फर्स्ट फ्लिप लैंड ऑन, आप इसमें इस इवेंट की स्पेक्स देख लें तो उसमें यही हो रहा है कि फर्स्ट जो फ्लिप है उसमें हेड फिक्स है, और सेकंड फ्लिप में एक बार हेड है एक बार टेल है, यानी कि सेकंड को वेरी किया है और फर्स्ट फ्लिप जो था पहले कॉइन की जो आउटकम है उसको हेड ही रखा है आपने। तो ये वो था जो कंडीशन ए में उसने कहा था, कंडीशन ए में उसने कहा था कि फर्स्ट फ्लिप जो है दैट मस्ट लैंड ऑन हेड्स, और फिर आप फाइंड करें प्रोबेबिलिटी के बोथ फ्लिप्स लैंड ऑन हेड्स। तो ये जो सेकंड वाला इवेंट है उसको एफ के लिए आपने, तो इसका मतलब जो टू में था, इस टू वाला इवेंट को उसने एफ के तौर पे नाम दे लिया, तो यहाँ पे आपने रख दिया एफ, ठीक है। तो अब आपको अलग अलग तो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी बहुत अच्छे तरीके से आती है, बी की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, एफ की भी बता सकते हो। थर्ड केस में उसने एक और इवेंट ए का भी नाम रख लिया, और ए इवेंट क्या है, उसमें दो हेड्स हैं, फिर एक हेड है, और फिर दोबारा एक हेड है, और ये वो इवेंट है जिसमें उसने कहा था कि एटलीस्ट वन फ्लिप लैंड्स ऑन हेड्स, यानी कि पार्ट बी के लिए जो उसको इवेंट चाहिए उसने उसका भी नाम रख लिया है, तो वो भी केस टू के तौर पे, यानी कि कंडीशन के तौर पे ही इस्तेमाल करेंगे आप उसको, तो इसको भी मैं टू ही कह रहा, सही है। तो ये जो एटलीस्ट वन फ्लिप लैंड्स ऑन हेड्स था उसका भी नाम, क्योंकि उसने यहाँ पे शुरू में सॉल्यूशन के उसने ये किया कि जितने इवेंट्स आपको चाहिए होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उन सब के नाम रख लिए हैं, और उनकी आउटकम्स बता दिए कि ये इवेंट्स हैं, ये इनके नाम हैं, और ये हर इवेंट की अपनी अपनी आउटकम है, ठीक हो गया। अब वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा, द प्रोबेबिलिटी फॉर ए कैन बी ऑब्टेंड, अब पहले उसने बी गिवन एफ फाइंड किया, जो मैं कह रहा था कि बी गिवन एफ में क्या हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी बी की फाइंड करनी है कि बोथ फ्लिप्स लैंड ऑन हेड, गिवन दैट एफ, एफ में क्या था कि फर्स्ट फ्लिप लैंड ऑन हेड, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, कैसे फाइंड कर रहे हैं, पहले उन दोनों का इंटरसेक्शन, और डिनोमिनेटर में फर्स्ट फ्लिप लैंड ऑन हेड एफ, तो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे अब, तो क्योंकि दोनों के अलग अलग आउटकम्स आपको पता हैं, तो आप उनको जस्ट कंपेयर करके इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं, एच कॉमा एच, यानी कि बोथ हेड्स इन दोनों में इंटरसेक्शन आ रहा है, तो उसने जस्ट यही लिख दिया, जो भी सेट दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लिया और जो भी इंटरसेक्शन में आया वो उसने लिख दिया यहाँ पे कि ये इंटरसेक्शन आ गया इसका,
और फिर डिनोमिनेटर में फर्स्ट फ्लिप लैंड्स ऑन हेड्स में जो दो भी दो इवेंट्स थे वो भी लिख दिए इसने। फिर इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है और इनकी प्रोबेबिलिटीज आपने टू कॉइन टॉस करने की जो सैम्पल स्पेस है उसी में से निकालनी है, यानी कि दोनों बार इसने फोर से ही डिवाइड किया। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट बी में क्या करना है, पहला पार्ट तो सेम है कि बोथ फ्लिप्स लैंड ऑन हेड्स, प्रोबेबिलिटी तो इसी की चाहिए, लेकिन गिवन दैट अब ये चेंज हो गया सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में अब रखना है आपने एटलीस्ट वन फ्लिप लैंड्स ऑन हेड्स, और उस केस में ए की प्रोबेबिलिटी सिर्फ चेंज हुई है बाकी वही है। तो ए की प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, इसमें ए का आपने रख दिया जो भी डिटेल्स थी, और ये इंटरसेक्शन भी चेंज हो सकता था क्योंकि अब आपने ए से इंटरसेक्शन लेना है, पहले आप एफ से इंटरसेक्शन ले रहे थे बी का, तो अब ये भी आपने देखा लेकिन इंटरसेक्शन इस बार भी वही आया है एच को मैच, लेकिन ये चेंज भी हो सकता था। आपने इनका इंटरसेक्शन फाइंड किया, प्रोबेबिलिटीज देख ली इनकी, पहले न्यूमिनेटर में एक आउटकम है फेवर में, डिनोमिनेटर में तीन आउटकम्स हैं, सैम्पल स्पेस दोनों की फोर ही है, तो दोनों को फोर से डिवाइड किया, सॉल्व किया और प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये बड़ा आसान और सिंपल तरीके से इसने इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके ओके, ये अच्छी एग्जांपल है, ये फिर से थोड़ा सा इसमें ना वो आ जाएगा, कार्ड्स की कुछ एग्जांपल आ जाएगी जो मैं आज चाह रहा था। ओके, इन द कार्ड गेम ब्रिज, ब्रिज जो है वो कार्ड्स की एक गेम है, मुझे खुद नहीं अब सही याद कि ब्रिज में होता क्या है, अभी देख लेते हैं पता चल जाएगा। द 52 इन द कार्ड गेम ब्रिज, द 52 कार्ड्स आर डेल्ट आउट इक्वली टू फोर प्लेयर्स। अब आप जिन लोगों ने कार्ड्स की गेम खेली हुई है उनको पता है कि टोटल जो है वो आपके कार्ड्स के डेक में 52 कार्ड्स टोटल होते हैं आपके पास। उन 52 कार्ड्स के जो हैं वो चार हाउसेज होते हैं 13 के, ठीक है ना। 13 उसमें जो होते हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल कह लें कि स्पेड्स होते हैं ब्लैक कार्ड्स, 13 जो होते हैं वो उसमें एक और ब्लैक कार्ड्स होते हैं क्लब्स के, उसको सी कह लें, 13 जो होते हैं वो उसमें रेड कार्ड्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल डायमंड्स के, उसको डी कह लें, और 13 जो होते हैं वो उसमें हार्ट्स के रेड कार्ड होते हैं, उसको आप एच कह लें, ठीक है। तो जिन्होंने गेम खेली हुई है उनको पता है कि हार्ट डायमंड्स, हार्ट और डायमंड जो होते हैं ये रेड कार्ड होते हैं, हार्ट्स और डायमंड्स जो होते हैं ये रेड कार्ड होते हैं, और स्पेड्स और क्लब्स जो होते हैं ये ब्लैक, इनके जो ऊपर जो शेप्स होती हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं, ठीक है, तो ये ब्लैक। तो इसका मतलब है कि 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं, और उसमें भी 13 के दो दो हाउसेज होते हैं, ब्लैक में दो 13 के स्पेड्स और क्लब्स होते हैं, और रेड कार्ड्स में दो 13 के जो होते हैं डायमंड्स और हार्ट्स के हाउसेज होते हैं। फर्दर ये कि हर 13 के एक हाउस के अंदर कार्ड एक जैसे होते हैं, एस से लेके किंग तक 13 कार्ड्स, ठीक है, एस वन होता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, फिर 10 के बाद जैक, फिर क्वीन, फिर किंग, तो ये हर 13 का हाउस एक जैसा होता है कि इसमें एस से लेके जो है वो किंग तक के 13 कार्ड्स होते हैं, तरतीब इसकी यही होती है, एस वन होता है, फिर 2 से लेके 10 तक, 11 जी जी सर, ये जितने कार्ड होते हैं उतनी गेम्स होगी ना, फिर जितने कार्ड्स होते हैं उतनी गेम्स होती है, ये कार्ड्स की वजह से गेम्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसका ये कोई फार्मूला तो नहीं है कि जितने कार्ड्स हैं उतनी ही गेम होंगे, 52 कार्ड्स का एक डेक होता है, और इसमें आप जो भी गेम, बचपन से यही सुना सर, जितने कार्ड होते हैं उतनी गेम होती है हो सकता है उससे ज़्यादा ही हो, 52 कार्ड थोड़े तो नहीं होते ना, जितनी गेम्स आप बनाना चाहें बना सकते हैं इसके ऊपर, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको डेक की स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूं, क्योंकि अगर डेक की कोई क्वेश्चन आता है तो आपको डेक की सिर्फ स्पेक्स पता हो कि डेक के अंदर इतने कार्ड होते हैं, सबसे पहला काम जो ज़रूरी है, जिसमें आपको पता होगा डेक के अंदर टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसको कैपिटल एन कहते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, 52 टोटल कार्ड होंगे एक डेक के अंदर, उसमें 13 के चार हाउस होंगे, और हर हाउस के अंदर एक से लेके किंग तक के 13 कार्ड हैं। तो ये मैंने आपको डेक डिटेल बता दी है, वो अब यहाँ पे आप इस्तेमाल करें आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ब्रिज की गेम है, और ब्रिज की गेम में करना ये होता है कि 52 कार्ड जो हैं वो चार प्लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इक्वली रैंडमली, और चार प्लेयर्स का मतलब है कि हर प्लेयर को 13 कार्ड्स ही मिलेंगे, ठीक है, और जो चार प्लेयर्स हैं उनको हम कहेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, ये चार प्लेयर्स के नाम रख दिया हमने। इफ़ नॉर्थ एंड साउथ हैव अ टोटल ऑफ 8 स्पेड्स
अब मैंने आपको ये इसलिए बताया है, ये क्लब, स्पेड्स, हार्ट, डायमंड्स का, कि आपको क्वेश्चन की नेचर समझ आ जाए। अब उसने कहा है कि इफ़ नॉर्थ एंड साउथ हैव अ टोटल ऑफ 8 स्पेड्स अमंग देम, यानी कि दो प्लेयर्स हैं ना ये नॉर्थ और साउथ, और ये ऑपोजिट बैठे हुए हैं, सही है ना, क्योंकि ये नॉर्थ है ये साउथ, क्योंकि आपने जब गेम खेली आपको पता है कि हम बैठते भी इसी तरह ही हैं, ऑपोजिट बैठते हैं ना प्लेयर्स जो होते हैं, नॉर्थ और साउथ बैठते हैं, फिर ईस्ट और वेस्ट आपस में आमने सामने बैठते हैं। तो ये चारों प्लेयर हो गए हम, और होता अमूमन यही है कि आमने सामने जो बैठते हैं ये एक ही टीम के होते हैं, यानी कि नॉर्थ साउथ जो है वो एक टीम बनाते हैं मिलके, और ईस्ट और वेस्ट एक टीम बनाते हैं। लेकिन अगर टीम ना भी हो तो स्टिल क्वेश्चन जो है हम उसको लेके चलते हैं आगे। वो कहता है कि नॉर्थ और साउथ जो है इनके पास टोटल जो है वो 8 स्पेड हैं। तो स्पेड टोटल कितने होते हैं, मैंने कहा कि हर हाउस में 13 कार्ड होते हैं, तो स्पेड जो है टोटल 13 हैं। तो अगर 8 स्पेड इन दोनों के पास हैं तो 5 स्पेड जो हैं वो फिर इनके पास होंगे, ईस्ट वेस्ट वाली टीम के पास, ठीक है। तो 8 स्पेड जो हैं वो साउथ नॉर्थ के पास हो गए 8 कार्ड स्पेड के, तो 5 जो कार्ड हैं स्पेड्स के वो आ गए ईस्ट वेस्ट के पास। वट इज़ द प्रॉबलिटी दैट ईस्ट हैज़ 3 ऑफ द रिमेनिंग स्पेड्स, प्रॉबलिटी बतानी है आपने कि ईस्ट जो हैज़ 3 ऑफ द रिमेनिंग स्पेड्स। अब जो ईस्ट के पास टोटल कार्ड्स आ सकते थे स्पेड के वो 8 थे, क्योंकि सॉरी 5 थे वो, क्योंकि 8 कार्ड तो नॉर्थ साउथ के पास हैं, तो 5 कार्ड बचे थे स्पेड्स के, उन 5 में से प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ईस्ट के पास जो है वो 3 कार्ड टोटल आ जाए, ठीक है। फाइंड वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ईस्ट हैज़ 3 ऑफ द रिमेनिंग 5 स्पेड्स, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। द ईजिएस्ट वे टू कम्प्यूट द रिजल्ट प्रोबेबिलिटी इज़ टू वर्क विद रिड्यू सैम्पल स्पेस। अच्छा, वो ये कह रहा है कि ना सिर्फ जो रिड्यूस्ड सैम्पल स्पेस है उसी को यूज़ करें, क्योंकि असल में अपने जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हुए हैं हमें बाकी कार्ड से फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी कार्ड जो हैं वो क्या क्या हैं। असल में नॉर्थ साउथ के पास 8 स्पेड्स चले गए हुए हैं, ठीक है, टोटल उनके पास 26 कार्ड्स थे नॉर्थ साउथ के पास, और उन 26 कार्ड्स में 8 स्पेड्स उनके पास हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग जो 26 कार्ड थे वो हैं ईस्ट वेस्ट के पास, और उन 26 में से जो हैं वो 5 जो हैं वो स्पेड हैं, ठीक है, जो बचे हैं इनके पास टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सिंस ईच डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इक्वली लाइकली, अभी सारे कार्ड इक्वली लाइकली हैं, क्योंकि जब कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो वो मिक्स करके किए जाते हैं और ब्लाइंडली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, देख के नहीं देते कार्ड्स, ठीक है। इट फॉलोज दैट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ईस्ट विल हैव एग्जैक्टली 3 स्पेड्स अमंग हिज और हर 13 कार्ड्स इज़, अब ये जो उसने प्रॉबिलिटी निकाली है ये किस तरह निकाली है, उसने ये किया कि जो 5 स्पेड बचे थे, अच्छा चलो पहले आप इसको इस तरह रीड करो कि जो टोटल कार्ड्स हैं जो ईस्ट और वेस्ट की टीम को मिलने हैं वो मिलने हैं 26, ठीक है। तो ये जो है न्यूमरेटर में दोनों के, न्यूमरेटर तो नहीं कहना चाहिए, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के, ये वो 26 कार्ड हैं जो इनकी टीम को मिले हैं टोटल, ठीक है। इन 26 कार्ड्स में से आपने देखना है कि जो है ईस्ट को 3 स्पेड मिलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जो 3 स्पेड ईस्ट को मिलने हैं इन 26 कार्ड्स में से वो हैं 5 स्पेड के अंदर से, क्योंकि स्पेड जो हैं वो स्पेड में से मिलेंगे ना, तो जो 5 स्पेड बचे हैं उन्हीं में से 3 स्पेड जो हैं वो ईस्ट को मिल सकते हैं यहाँ से। तो ये उसने जो पहला 5C3 कॉम्बिनेशन लिया है, ये 5C3 कॉम्बिनेशन बता रहा है कि 5 स्पेड में से 3 स्पेड चूज़ करने की चांसेस जो हैं वो इतने हैं, वेज जो हैं वो इतने हैं, 5 स्पेड में से 3 स्पेड चूज़ किए 5C3 वेज में, और बाकी 21 में से कितने कार्ड मिलने हैं ईस्ट को, 10 कार्ड और चाहिए, क्योंकि ईस्ट को टोटल 13 कार्ड मिलने हैं, और उन 13 कार्ड में से 3 जो हैं वो स्पेड के होंगे, इसकी इसके चांसेस कितने हैं कि 5 स्पेड में से 3 स्पेड दे दो और बाकी 21 कार्ड्स में से 10 कार्ड दे दो, तो ये टोटल जो है 26 में से 13 कार्ड्स ईस्ट के पास आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो टोटल 26 में से 13 कार्ड जो हैं, 26 में से 13 कार्ड मिलने थे ईस्ट को, और वो 13 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से हुए हैं कि उनमें से 3 जो हैं वो स्पेड हैं और वो 5 स्पेड में से मिले हैं, और बाकी कोई भी 10 कार्ड और हैं और वो बाकी 21 कार्ड में से मिले हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी ही होनी चाहिए, तो तब जो है हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि इस केस में जो है ईस्ट को 3 स्पेड मिल गए हैं, जो बाकी 5 स्पेड इनकी टीम में आए थे वो, और ऑब्वियसली जो बाकी 2 स्पेड बचेंगे अब वो वेस्ट को मिल जाएंगे।
टोटल कितने वेज हैं इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन करने में कि 26 कार्ड्स में से 13 कार्ड ईस्ट को दिए जाएं, तो वो तो 26 कॉम्बिनेशन 13 हैं, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। ये टोटल वेज हैं, 26 कार्ड्स में से 13 कार्ड्स ईस्ट को देने के टोटल वेज हैं, और ऊपर जो हैं वो वेज हैं जिन वेज में 3 स्पेड जो हैं वो ईस्ट को मिलेंगे, और वो ये हैं कि 5 जो स्पेड बचे हैं हम उसकी टीम के लिए उसमें से 3 स्पेड ले लो और बाकी 10 कार्ड जो मर्जी दे दो बाकी 21 में से, ठीक है। तो ये वो वेज हैं, इसने डिवाइड कर दिया है, प्रोबेबिलिटी आ गई है, और ये प्रोबेबिलिटी है कि आप जो ईस्ट है उसको लाजमी जो है वो 3 स्पेड अगर मिलने हो बाकी 5 स्पेड में से, ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन असल में उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी इतनी, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 13 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 4 प्लेयर्स को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 52 में से एक डेक में से, तो वो 13 मिलेंगे कार्ड्स, और अगर 8 स्पेड एक टीम को मिल गए हैं तो 5 स्पेड दूसरी टीम को मिलेंगे, और उन 5 स्पेड में से भी किसी एक प्लेयर को 3 स्पेड देने हो तो उन 5 में से 3 स्पेड आप उसको दें प्लेयर को, और बाकी कार्ड जो हैं वो बाकी कार्ड्स में से डिस्ट्रीब्यूट करें उस टीम के लिए जो कार्ड्स बाकी बचे हैं उसमें से, उस प्लेयर के जो बाकी कार्ड में बचे हैं वो उसको दें और टोटल वेज से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो ईजी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको एक बार फिर से देख लें। हाँ जी, ये भी उसकी एग्जाम्पल है, कंडीशनली उसकी प्रोबेबिलिटी की। असल में यहाँ इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल में उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना पड़ा, इसमें जो कंडीशन उसने यूज़ किया वो सिर्फ ये कंडीशन यूज़ की है, और कंडीशन ये थी कि 8 स्पेड अगर पहली टीम को मिल गए हैं तो दूसरी टीम को 5 स्पेड मिलेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन उसने यहाँ पर यूज़ की है, अदरवाइज़ यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल किया गया, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर करने, यहाँ पर ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन था, यहाँ पर जस्ट आपने स्टेटमेंट पढ़ के अंदाज़ा लगा लिया कि अगर एक टीम को ये कार्ड मिल गए हैं तो जो बाकी कार्ड बचे हैं वो दूसरी टीम को मिलने हैं, तो उस पे फिर आपने दूसरी टीम की कैलकुलेशन कर ली और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल होगी इस तरह से, ठीक है, फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ, समझ गए जी सर। क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट भी नहीं ना दी हुई इस वजह से। हाँ बिल्कुल, इसलिए गिवन वाली स्टेटमेंट भी नहीं है यहाँ पे, आपने इसलिए खुद ही जज करना है कि कौन सा इवेंट अकर कर गया है और अब जो इवेंट अकर करना है उसके पास कितने पॉसिबल वेज हैं, तो ये थोड़ा सोचना होता है इन क्वेश्चन में, लेकिन इसलिए एग्जाम्पल ज़्यादा दे रहा है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आप मुख्तलिफ वेज क्या क्या हो सकते हैं किसी चीज़ को करने के। अच्छा ठीक है, 2-3 एग्जांपल्स हो गई हैं, अभी एक कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर अटेम्प्ट करें, ठीक है। ये वैसे भी थोड़ी लेंथी एग्जांपल है, 2D जो है, या आप आराम से फारिग बैठ के इसको पढ़ें, ठीक है। जो चीज़ इस तरह की चीज़ें आप पढ़ा करें, ठीक है, ये याद नहीं करनी है चीज़ें आपने, बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन मैं वैसे भी एग्जाम में नहीं देता, तो आपने ये चीज़ें समझनी है, जो छोटा क्वेश्चन होगा लॉजिकल होगा आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, उसको समझें कि उसमें क्या लॉजिक इस्तेमाल हुआ है, और अगर उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करके दे दूं तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं, इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। ये बड़ी बड़ी जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं ये तो एक्सपर्ट्स भी इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपका काम ये नहीं है कि आपको हर चीज़ आती है, आप इस कॉन्सेप्ट जो है वो समझें और उसकी सिंपल एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करें ताकि आपको एक आइडिया क्लियर हो जाए। जब इंसान को एक आइडिया सही क्लियर हो जाए चीज़ का कॉन्सेप्ट, तो आप फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुश्किल चीज़ें भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो पहली स्टेज में आपने ये करना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पर अंडरस्टैंड किया, कुछ बेसिक एग्जांपल्स जो हैं वो सही तरीके से प्रैक्टिस की। जो आपको मैंने लास्ट असाइनमेंट दी है उसका मैंने अभी बताया, थर्सडे तक कर दिया टाइम, वेंसडे तक, तो ये आपने वो करनी है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स हैं। अच्छा जी, ये भी, ये एग्जांपल भी करें आप, ठीक है, 2E वाली एग्जांपल ये भी करें, ये उससे आसान है जो पिछली एग्जांपल है, 2-liner है। अच्छा चलो ये मैं करवाता हूँ, ठीक है, ये छोटी है ना, ये जल्दी हो जाएगी। सेलिन है एक, ठीक है, फीमेल स्टूडेंट, इज अनडिसाइडेड एज टू वेदर टू टेक अ फ्रेंच कोर्स और अ केमिस्ट्री कोर्स, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है वो कंफ्यूज है कि उसको फ्रेंच कोर्स पढ़ना है कि केमिस्ट्री का कोर्स पढ़ना है, उसके पास ऑप्शन हैं दोनों। शी एस्टिमेट्स दैट हर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग एन ए ग्रेड वुड बी 1/2 इन फ्रेंच कोर्स, यानी कि उसने अपना अंदाज़ा लगाया खुद ही कि अगर तो वो फ्रेंच का कोर्स लेती है तो उसमें ए ग्रेड आने की जो चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी वो 1/2 है, ठीक है, फ्रेंच का कोर्स आने के। अब हिसाब लगाएं कि ये इसने ग्रेड के हिसाब से कोर्स चूज़ करना है कि किसमें ज़्यादा ग्रेड आएगा, हालांकि अपना इंटरेस्ट और लर्निंग देखनी चाहिए कि आपको क्या चीज़ सीखनी है वो सीखें, ना कि आप उसके ग्रेड पर ध्यान दें। सो चलो खैर, उसने देखा है कि फ्रेंच का कोर्स अगर वो लेती है तो उसको उसकी प्रोबेबिलिटी कि उसमें ए ग्रेड आएगा वो 1/2 है, एंड 2/3 इज़ द प्रोबेबिलिटी इन ए केमिस्ट्री कोर्स के उसका ए ग्रेड आएगा, ठीक है। अब 1/2 ज़्यादा है कि 2/3 ज़्यादा है, कौन बताएगा?
आने की ग्रेट प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पे 50% चांसेस हैं फ्रेंच में ए ग्रेड आने के, और यहाँ पे 67% चांसेस हैं केमिस्ट्री में ए आने के। इसका मतलब है साइंस की तरफ रुझान ज्यादा है उसका, केमिस्ट्री में ए ग्रेड आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, 3 को 20 से डिवाइड करें ना, ठीक है, 0.67, 67% प्रोबेबिलिटी है कि केमिस्ट्री में ए ग्रेड आएगा। ठीक है, और 1/2 यानी कि 50.5 प्रोबेबिलिटी है या 50% चांसेस हैं कि फ्रेंच में ए ग्रेड आएगा। और ये तो उसने आपको प्रोबेबिलिटीज बता दी हैं दोनों की अलग अलग। इफ सिलीन डिसाइड्स टू बेस हर डिसीजन ऑन द फ्लिप ऑफ अ फेयर कॉइन, अब यहाँ पे वो मेंशन कर रहा है कि ये फेयर कॉइन है, इसका मतलब है कि इस कॉइन पे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों की इक्वल है। कभी कभी डिसीजिव या अनफेयर कॉइन्स और डाइस भी होते हैं जिसमें कोई एक इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है, और वो फेयर कॉइन्स या डाइस नहीं होते, वो अनफेयर या बाइस्ड जो हैं वो कॉइन्स या डाइस होते हैं। अगर आपको कोई कहे ना कि ये डाइस जो है इस पे 6 आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और बाकी में किसी और डाइस में 6 आने के चांस कम हैं या इक्वली लाइकली हैं, तो समझ जाएं कि अगर किसी एक में ज़्यादा चांस कोई कह रहा है कन्फर्म, तो इसका मतलब है कि वो डाइस फेयर नहीं है, उस डाइस को टेम्पर किया गया है किसी एक साइड से घिसा के या किसी और तरीके से कि वो जब फ्लिप किया जाए तो वो घूमते हुए उसकी स्लोप किसी तरह से वो मैनेज करके कोई एक फेस आने के चांसेस बढ़ा दिए जाते हैं, तो उससे वो अनफेयर या बाइस्ड कॉइन्स या डाइसेस होते हैं। ठीक है, वैसे फेयर जब लिखा जाता है इसका मतलब है कि आपने सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी लेनी है, हेड की भी टेल की भी, या डाइस है तो सब 1 से 6 तक सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी लेनी है। अच्छा, तो ये फेयर कॉइन के फ्लिप पे उसने कहा मैं डिसाइड करूँगी कि मैंने फ्रेंच का कोर्स लेना है कि केमिस्ट्री का कोर्स लेना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एन ए इन केमिस्ट्री, ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो उसका केमिस्ट्री में ए ग्रेड आएगा। अब केमिस्ट्री में ए ग्रेड तभी आएगा ना जब वो ए ग्रेड, जब वो केमिस्ट्री चूज़ करेगी। अभी तो उसने कहा ही नहीं कि मैंने केमिस्ट्री चूज़ करना है, अभी तो उसने कहा है कि उसने कॉइन टॉस करना है और उस कॉइन पे हेड या टेल होगा, और वो हेड और टेल में से किसी एक को केमिस्ट्री से एसोसिएट कर देगी और दूसरे को फ्रेंच से, और कॉइन टॉस करने पे जो आउटकम आएगी उसमें केमिस्ट्री का कोर्स अगर होगा तो फिर वो केमिस्ट्री में ए ग्रेड ले सकती है ना। अगर तो कॉइन टॉस पे ही केमिस्ट्री का बाहर हो गई और फ्रेंच रख लिया तो फिर तो केमिस्ट्री में ए ग्रेड नहीं ना आ सकता, उसने केमिस्ट्री तो ली ही नहीं उसने। सो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक इवेंट पहले अकर कर चुका है, और वो ये कि कॉइन के टॉस में केमिस्ट्री चूज की गई थी। ठीक है, क्योंकि कॉइन को टॉस करने पे केमिस्ट्री वाली आउटकम आ गई, कॉइन टॉस करने पे केमिस्ट्री चूज कर लिया, तब केमिस्ट्री में ए ग्रेड आया। तो यहाँ पे जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस तरह है कि केमिस्ट्री में ए ग्रेड आया गिवन दैट केमिस्ट्री चूज की गई थी। ठीक है, पहले इवेंट्स के नाम रख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला इवेंट, लेट द इवेंट दैट सिलीन टेक्स केमिस्ट्री, लेट द इवेंट दैट सिलीन टेक्स केमिस्ट्री एंड ए डिनोट द इवेंट दैट शी रिसीव्स एन ए इन व्हाटएवर कोर्स शी टेक्स। ठीक है, ए जो है वो इवेंट है, सबसे पहला इवेंट उसने लिया है कि सिलीन ने केमिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है, केमिस्ट्री चूज की है, सबसे पहला इवेंट ये हो गया कि सिलीन ने केमिस्ट्री रखी है, और दूसरा इवेंट ए है, और ए में उसने कहा है कि ए डिनोट द इवेंट दैट शी रिसीव्स ए ग्रेड इन व्हाटएवर कोर्स शी चूज। तो जो भी कोर्स लिया उसमें ए ग्रेड आने के लिए उसने इवेंट ए रखा है नाम उसका, और एक इवेंट उसका है कि सिलीन ने केमिस्ट्री रखी है। ठीक है, देन द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी इज पी सी ए, तो जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी है जो उसको चाहिए वो है पी सी इंटू ए। अच्छा, यहाँ पे ना लेट सी बी द इवेंट, यहाँ पे ना सी एक उसने शायद टाइपो है कि यहाँ पे जो सी उसने इवेंट का नाम रख दिया है, यूज़ कर लिया है लेकिन बताया नहीं। इसका मतलब है शुरू में ना सिलीन टेक्स केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री को चूज़ करने के लिए उसने सी इवेंट रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो सी स्टैंड्स फॉर केमिस्ट्री, ए स्टैंड्स फॉर द ए ग्रेड, तो आपने उसलिए बेहतर है कि नाम से इवेंट ज़रा समझ भी आ जाए, तो इसलिए इस तरह के नाम रखते हैं। तो सी स्टैंड्स फॉर केमिस्ट्री रखी है उसने, और ए स्टैंड्स फॉर के उसका ए ग्रेड आ गया जिस भी कोर्स में उसने पढ़ा है जो भी। तो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि शी गेट्स एन ए इन केमिस्ट्री, अब ये तो दोनों इकट्ठे हो गए ना, यहाँ उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि शी गेट्स एन ए इन केमिस्ट्री, तो यहाँ पे इवेंट ए भी आ गया कि ए ग्रेड आए, और इवेंट सी भी आ गया कि केमिस्ट्री पढ़ी जाए। इसका मतलब है कि उसको दोनों के इंटरसेक्शन चाहिए कि सी पढ़ी जाए, केमिस्ट्री पढ़ी जाए और ए ग्रेड आए। ठीक है, दोनों एट द सेम टाइम अकर करें, केमिस्ट्री भी पढ़े और ए ग्रेड भी आए। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि उसको जो इवेंट्स के नाम रखे हैं उसने उस हिसाब से उसको सी
इंटरसेक्शन ए का इवेंट चाहिए प्रोबेबिलिटी के लिए, और ये उसने कैसे फाइंड किया, उसने फाइंड किया प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी। ये उसने कैसे बनाया फार्मूला, ये वाला कोई बता सकता है? ये जो फार्मूला नज़र आ रहा है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये उसने कैसे बनाया? हाँ जी, एनीवन? सर उसने सी की प्रोबेबिलिटी और सी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी को कंबाइन किया। आप अगर उन दोनों फार्मूलाज को कंपेयर करें, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपने पहले देखा है और जो ये लिखा हुआ है, तो असल में इन दोनों में कोई फर्क तो नहीं है, ये सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसी फार्मूला, क्योंकि ए गिवन सी में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होती है वो डिनोमिनेटर में आती है, और डिनोमिनेटर में से वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया उसने और मल्टीप्लाई कर दिया, यही हुआ ना यहाँ पे। यानी कि ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला था यहाँ पे, इस फार्मूला में अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ ले आऊँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो आ जाएगी एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोबेबिलिटीज, एक वो जो कि अकर कर चुका है इवेंट, और दूसरा वो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है ना, मतलब ये नज़र आ रहा है यहाँ से कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये एक नॉन जीरो नंबर है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आराम से। अगर ये जीरो हो सकता होता तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई ना होता, ठीक है ना, तो फिर ये डिनोमिनेटर में भी ना होता। खैर यहाँ पे तो यहाँ से इसने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है, बस इतना सा काम है। तो यहाँ से देखिए कि जो आउटपुट मिली है, हाँ जी ये सही है। तो अब क्योंकि यहाँ पर उसको C into A चाहिए, जो उसने इवेंट्स के नाम रखे हैं उनके रिस्पेक्ट से C इंटरसेक्शन A का इवेंट उसको चाहिए, तो उसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में से C इंटरसेक्शन A को सेपरेट कर लिया और बाकी जो भी बच गया उसको लिख दिया, और अब उसकी प्रोबेबिलिटीज देखनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ C है कि शी टेक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को टेक करने के कितने चांसेस हैं बताएं ज़रा, इसको एक्सप्लेन करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होनी चाहिए। उसने अभी तक क्लियरली बताया नहीं था, डायरेक्ट यूज़ कर लिया यहाँ पे, तो बताएं ज़रा पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी है और है क्या ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट, उसके पास दो बुक्स थी ना, ये फ्रेंच और केमिस्ट्री, उन दोनों में से दो उसके पास थे, दोनों में से उसने वन चूज़ किया केमिस्ट्री, इसलिए 1/2 चूज़ किया। बिल्कुल सही, दो बुक्स थी केमिस्ट्री और फ्रेंच की, और उसने कॉइन के टॉस के बेस पे केमिस्ट्री या फ्रेंच चूज़ करना था, तो केमिस्ट्री चूज़ करने के लिए चांसेस 1/2 ही हैं, क्योंकि कॉइन केमिस्ट्री के फेवर में लैंड करेगा तो 1/2 प्रोबेबिलिटी सही करेगा, और अगर फ्रेंच के फेवर में करेगा तब भी 1/2 करेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर होता, फ्रेंच चूज़ करने के लिए एफ रख लेते अगर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो होता फ्रेंच चूज़ करने का वो भी 1/2 होता, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी केमिस्ट्री चूज़ करने का वो भी 1/2 होता। अब सेकंड का बताएं, ए गिवन सी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एन ए ग्रेड गिवन दैट शी चूज केमिस्ट्री, ये प्रोबेबिलिटी उसने कैसे निकाली है? 2/3, ये प्रोबेबिलिटी कहाँ से आई है उसके पास? हाँ जी सोचें। मैम उसने प्रोबेबिलिटी ए ओवर सी का जो फॉर्मूला लगाया उसमें से निकाली है। हाँ नवान, दोबारा ये जो ए ओवर सी नहीं है, ये ए गिवन सी है पहली बात, और दूसरी चीज़ ये कि आपने क्या बताया, कैसे उसको पता चला टू ओवर, मतलब ए गिवन सी की प्रोबेबिलिटी कैसे मिली है आपको? फिर से ट्राई करें। देखे ना, क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन भी थी, उसको जरा रीड करें। तो सर इसमें से 2/3 कॉमन आएगा ना? कॉमन लेने की जरूरत नहीं है आपको, 2/3 उसने पहले ही बता दिया है क्वेश्चन में ही। क्वेश्चन में उसने कहा था कि शी, ये क्वेश्चन में मैं अंडरलाइन जो कर रहा हूँ,
एंड 2/3 इन अ केमिस्ट्री कोर्स. कहता है कि शी एस्टिमेट्स, ये उसने खुद एस्टिमेट लगाया है कि दैट हर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग एन ए ग्रेड इन फ्रेंच वुड बी 1/2 एंड इन केमिस्ट्री कोर्स वुड बी 2/3. ये उस स्टूडेंट ने खुद अपना एस्टिमेट लगाया हुआ है कि केमिस्ट्री में ए ग्रेड लेने की उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/3 है. उस इन्फॉर्मेशन को देखा जाए तो असल में वो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली यही है ए गिवन सी वाली. ए गिवन सी इवेंट है कि ए ग्रेड आए गिवन दैट केमिस्ट्री इज चोजन. ये वही इवेंट है कि केमिस्ट्री चूज करके ए ग्रेड लेने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है. और यही क्वेश्चन में उस बच्ची ने खुद ही अपनी प्रोबेबिलिटी सेट की हुई है कि मेरे केमिस्ट्री में ए ग्रेड लेने के चांसेस 2/3 होंगे. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपने क्वेश्चन में से गिवन इन्फॉर्मेशन के तौर पर ली है और डायरेक्ट यूज़ कर लिया यहाँ पर. ठीक है, आपने कैलकुलेट नहीं किए. सही हो गया. अब आपने ये स्टेटमेंट्स को इसी तरह कंपेयर करना है. बिल्कुल ठीक. तो अब देखें कि ए ग्रेड केमिस्ट्री में लेने की प्रोबेबिलिटी 2/3 यहाँ पे रख दी और केमिस्ट्री चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 यहाँ पे रख दी, तो आंसर आ गया 1/3. इसका मतलब है कि उसके चांसेस के वो केमिस्ट्री में ए ग्रेड लेगी वो हो गए 1/3. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया और ये 1/3 यहाँ पर. तो ये जो फॉर्मूला है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, इसमें तीन चीज़ें हैं. इसमें हैं एक दोनों इवेंट्स की इंटरसेक्शन है, एक दोनों इवेंट्स की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और एक जो इवेंट अकर कर चुका है उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी है. इन तीनों में से कोई भी दो आपको पता हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए वो तीसरी चीज़ फाइंड कर लें. कभी कभी इनमें से कोई दो पता होंगी, तीसरी नहीं पता होगी. जो भी नहीं पता है इसमें से उसको सेपरेट करें और आप उसको फाइंड कर सकते हैं. अच्छा, इसी तरह एग्जाम्पल 2f आप फिर से अटेम्प्ट करेंगे खुद ही. ये भी अच्छी एग्जाम्पल है. ये काफ़ी एग्जाम्पल 2f जो है ना, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है. अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन रूल. अब ये देखो, जिस तरह आपने अभी जो फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया है, अभी जो आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया उसमें दो इवेंट्स थे. वो दो इवेंट्स क्या थे कि फॉर एग्जांपल E1 इंटरसेक्शन E2 और उसकी प्रोबेबिलिटी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1. ये था आपका अभी वाला फॉर्मूला. ठीक है ना, जो अभी आपने किया. इसी का उसने nth टर्म का जनरलाइज वर्जन इस्तेमाल किया कि अगर यही इंटरसेक्शन दो के बजाय n इवेंट्स की हो तो फिर आपने उसको इस तरह से इवेल्यूएट कर सकते हैं आप. ठीक है, तो ये जनरलाइज फार्मूला उसका दिया हुआ इसने, लेकिन ऑब्वियसली इतना लेंथी फार्मूला जो है वो नहीं प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दो या कम से कम तीन का कॉम्बिनेशन भी अगर आपको पता हो गया, तीन का इंटरसेक्शन जो है वो कैसे फाइंड करना है, तो आपकी यहाँ पे जो है वो तीन टर्म्स इस तरह की आ जाएंगी. और अगर एंथ तक का दिया हो तो वो एंथ टर्म्स आ जाएंगी यहाँ पे. अच्छा जी, ये एग्जाम्पल भी ट्राई करें. अच्छा जी, चलो ये एग्जांपल कर लेते हैं. एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज रैंडमली डिवाइडेड इनटू 4 पाइल्स ऑफ 13. अगेन जो है वो 52 कार्ड्स थे, उसने 4 डिस्ट्रीब्यूशंस कर दी उसकी, तो हर एक में 13 कार्ड्स आ गए. ठीक है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट ईच पाइल हैज़ एग्जैक्टली 1 इज. अब फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी के हर जो पाइल आपने बनाई है, यानी कि हर प्लेयर को जो एक चार प्लेयर्स हैं, अगर चारों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 13 कार्ड्स, तो प्रोबेबिलिटी के हर एक के केस मिला होगा वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो सबसे पहले आप इवेंट्स बना लें. यहाँ पे इवेंट्स आपने इस तरह के बनाने हैं. फॉर एग्जांपल EI उसने इवेंट बना लिए हैं चार. पहला इवेंट क्या है, द एस ऑफ स्पेड्स इज इन एनी ऑफ द फाइल्स. सबसे पहले उसने क्या इवेंट बनाया, ये इवेंट इस तरह के हैं कि आपकी कैलकुलेशन को आसान करें. अगर आप कोई और इवेंट्स बनाते हैं तो क्वेश्चन स्टिल शायद किया जा सके लेकिन शायद कॉम्प्लिकेशन हो जाए. अभी जो उसने इवेंट्स बनाए हैं इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है उसने. और कैसे रखी है, उसने कहा है कि पहला इवेंट, पहला एस ना, सपोज कर लो कि स्पेड्स का एस जो है वो जहाँ मर्जी चला जाए, किसी ना किसी एक पाइल में जब चार सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो स्पेड्स का एस किसी ना किसी को तो मिला होगा ना, तो वो पाइल आपने फिक्स कर दी कि वो किसी एक को मिल गया स्पेड्स का एस. सेकेंड इवेंट है द एस ऑफ स्पेड्स एंड द एस ऑफ हार्ट्स आर इन डिफरेंट पाइल्स. ठीक है, E2 सेकेंड इवेंट ले लिया. सेकेंड इवेंट में उसने कहा है कि स्पेड्स का जो एस है वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया हुआ है ना,
इवन इवेंट में। अब जो हार्ट्स का एस है ना वो स्पेड्स के एस से डिफरेंट किसी पाइल में जाना चाहिए, ये ई टू इवेंट हो गया। फिर ई थ्री इवेंट, ई थ्री इवेंट में वो कहता है कि हार्ट ऑफ एस ऑफ स्पेड्स हार्ट एंड डायमंड्स आर इन डिफरेंट पाइल्स। तो इसमें अब थर्ड जो डायमंड का एस था वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया है और वो कहता है कि पहले जो दो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं वो तो अलग अलग हुए हैं, अब थर्ड को उससे भी अलग में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और चौथा इवेंट जो होगा वो ये हो जाएगा कि ऑल फोर एसिस आर इन डिफरेंट पाइल्स। ठीक हो गया। अब इनकी जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी है, अब ये ई वन ई टू ई थ्री ई फोर जो कि इन सारों का जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा कि सारे के सारे जो एसिस हैं वो डिफरेंट पाइल्स में हैं। और ये मल्टीप्लिकेशन रूल से निकाला जा सकता है जो ऊपर उसने जनरलाइज फॉर्म में दिया था। तो अगर चार टर्म्स के लिए उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो तीन के इंटरसेक्शन तक चला जाएगा, क्योंकि आपने देखा था ना कि जब दो इवेंट्स पे आपने इसको लिखा था अभी पिछली एग्जांपल में, तो वो सिर्फ ये पहली दो टर्म्स आपने लिखी थी, यानी कि ई टू गिवन ई वन तक लिखा था। तो जब तीन इवेंट्स पे लेके जाओगे तो आपको यह दो टर्म्स यहाँ पे रखनी पड़ेंगी, और जब फोर इवेंट्स पे लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको तीन टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये फोर टर्म्स के लिए पहले आपने फॉर्मूला लिख लिया जो आपको एक्सपेंड करना है यहाँ पर। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब आप जो जो प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे यूज़ करनी है उनको फाइंड करना है। सबसे पहले आपको ई वन यूज़ करना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन जो है वो वन है, क्योंकि जब आप ए स्पेड जब आप कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो स्पेड का कार्ड किसी ना किसी पाइल में तो जाना ही जाना है चारों में से, तो ये तो प्रोबेबिलिटी वन है। आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई, आपने कहा है कि वो कहीं पे भी पड़ा हो सकता है। ठीक है, फिर सिंस ई वन इज द सैम्पल स्पेस, सिंस ई वन इज द सैम्पल स्पेस एस, हाँ ठीक है, वो ई वन यही है ना कि कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वो, तो इसका मतलब है कि कोई कंडीशन नहीं है, ये ऐसे ही होगा कि वो कहीं ना कहीं चला जाएगा, तो डेफिनेट इवेंट है, ऐसे ही होना है, तो इसलिए प्रॉबिलिटी वन। फिर सेकेंड केस में ई टू गिवन ई वन चाहिए, ई टू गिवन ई वन आप फाइंड करेंगे प्रॉबिलिटी दैट द एस ऑफ स्पेड एंड एस ऑफ हार्ट्स आर इन डिफरेंट पाइल्स गिवन दैट एस ऑफ स्पेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सम पाइल। ठीक है, यानी कि एस आपने स्पेड का एस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है, अब आप कह रहे हैं कि जो अगला एस है आपका हार्ट्स का वो किसी डिफरेंट पाइल में जाए। ठीक, तो उसकी ये प्रोबेबिलिटी आएगी। कैसे आ रही है ये प्रोबेबिलिटी, कुछ बता सकते हैं? थोड़ा सा गौर करें नंबर्स के ऊपर कि ये नंबर्स कैसे आए हैं, आपको पता चल जाएगा। ओके, मैं स्केच बनाता हूँ एक, आप उसको फॉलो करें। आपने 13-13 की चार जो हैं वो हाउस बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि जब 52 कार्ड्स हैं ना तो आप हर एक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग, तो 13-13 डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो मैंने 13-13 के चार हाउस बनाए हैं। सॉरी, ये टच पैड पे लिखना जो है ना वो काफ़ी मुश्किल काम है। सो ये मैंने अपनी तरफ से तो स्क्वायर बनाए थे चारों, खैर ये पता नहीं क्या बन गया है। जो भी है, ये 13 की चार पाइल्स हैं और आपने अपने 52 कार्ड जो हैं वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, अब पहला इवेंट ये था E1 कि आप जो स्पेड्स का एस है वो आप कहीं पे भी रख दें। ठीक है, तो एस ऑफ स्पेड्स, तो मैं उसको AS लिखता हूँ, एस ए के लिए एस और स्पेड्स के लिए एस। तो एस ऑफ स्पेड्स जो है वो किसी भी पाइल में जा सकता है, हमने कहा कि चलो पहली में चला गया, प्रोबेबिलिटी वन, कहीं पे भी चला जाए। ठीक है, सेकंड इवेंट की बारी आ गई है। सेकंड इवेंट ये कहता है कि एस ऑफ स्पेड तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब वो जहाँ पर भी गया है उसको छोड़ के जो एस ऑफ हार्ट है वो बाकी तीनों में से किसी भी पाइल में रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि सिर्फ जो एस हार्ट्स का एस है वो आपने स्पेयर्स वाले एस वाले पाइल में नहीं रखना, बाकी किसी भी पाइल में रख देना। तो कितने कार्ड्स पड़े हुए हैं बाकी तीन पाइल्स में, 13 यानी कि 39 कार्ड्स हैं टोटल, और जो कार्ड्स ये कार्ड आपने इन तीन पाइल्स में रखने हैं, और जो टोटल कार्ड्स हैं वो 51 है, 51 कार्ड्स आप इन तीन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि एक कार्ड आपने छोड़ दिया वो स्पेयर्स का कार्ड था, और वो स्पेयर्स आपने क्योंकि एस था स्पेयर्स का, और वो आपने क्योंकि इस अलग पाइल में रखा हुआ है यहाँ पर। सही है, तो अब आपने ये किया है कि उस एक स्पेयर्ड वाले कार्ड को छोड़ के
बाकी 51 कार्ड्स जो हैं वो इन तीन हाउसेज में 39 कार्ड्स के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब, तो फिर जो आपका एस ऑफ हार्ट्स होगा वो इन तीन में से किसी एक में चला जाएगा। यूँ ही है ना, क्योंकि आपने क्या किया, आपने जो 51 कार्ड बाकी बचे थे जिनमें आपका हाउस, जिनमें आपका वो हार्ट का एस पड़ा हुआ है, वो 51 कार्ड आपने इन तीन हाउसेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और वो जो आपका एस है हार्ट्स वाला वो इनमें से किसी एक हाउस में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हाउस ऑब्वियसली स्पेयर्ड वाले हाउस से डिफरेंट हो जाएगा। तो ये आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली कि कितने प्रोबेबिलिटीज़ की होगी, तो वो आपने देख लिया, क्योंकि तीन हाउस आपके पास बचे हैं स्पेयर्ड को निकाल के, जिसमें स्पेयर्ड एस है, एस का स्पेयर्ड जहाँ है वो वाला हाउस निकाल के बाकी तीन बचे हैं उनमें से किसी भी एक में रख सकते हो, तो वो 39 कार्ड्स वहाँ पे टोटल होंगे और आपने 51 कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उनमें, उनमें से, ठीक है, वो 39 कार्ड्स चूज़ करने हैं, वो 51 कार्ड्स में से करने हैं, क्योंकि 52nd कार्ड जो आखिरी है वो एस ऑफ स्पेयर्ड नहीं लेना आपने। तो ये वाला इवेंट इन दो वेज में किया जाएगा। फिर अगला इवेंट, सिंस द पाइल कंटेनिंग द एस ऑफ स्पेयर्ड्स विल रिसीव 12 ऑफ द रिमेनिंग 51 कार्ड्स, ठीक है ना, ये वही बात होगी कि जिस पाइल में आपने एस रखा है स्पेयर्ड्स वाला, उसमें 12 कार्ड आपने और भी तो रखने हैं ना, ठीक है, 51 में से। और फर्दर ये कि जो थर्ड E3 इवेंट था, एस ऑफ स्पेड हार्ट्स और डायमंड्स जो हैं वो डिफरेंट पाइल्स में होने चाहिए, ये था E3 इवेंट, और E3 इवेंट के तीनों स्पेयर डिफरेंट होने चाहिए, गिवन दैट E1 E2 गिवन दैट के स्पेयर्ड और हार्ट्स के एसेज अलग अलग हैं। तो आपने अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन की है उसमें स्पेयर्ड और हार्ट्स के एसेज आपने अलग अलग हाउस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, और अब जो इवेंट है वो ये करना है आपने कि अब आपने थर्ड एस जो था यानी कि डायमंड्स का, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट के प्रीवियस दोनों हाउस अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो इसमें क्या होगा, अब इसी स्केच को आगे बढ़ाएं, अगर आप सपोज करो कि हार्ट्स का एस जो है वो इस वाले हाउस में आ गया, ठीक है, और स्पेड वाला जो है वो इस हाउस में चला गया, अब आपने डायमंड्स का हार्ट एस डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके लिए आपके पास दो पाइल्स बची हैं, एक तो ये वाली जिसपे मैं लॉन्ग एरो लगा रहा हूँ, और एक ये वाली जिसपे मैं लॉन्ग एरो लगा रहा हूँ अगेन। तो यानी कि अब ये दो पाइल्स बची हैं, क्योंकि इनमें अब पिछले हार्ट्स एसेस नहीं हैं, तो इन दो पाइल्स में आपने 26 कार्ड्स टोटल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और उन कार्ड्स में आपका जो थर्ड है एस, एस ऑफ डायमंड्स, वो रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो टोटल 26 कार्ड्स यहाँ पर रखे जाएंगे, और कौन से दो कार्ड नहीं रखने, ये एस ऑफ हार्ट नहीं रखना, पॉपुलेशन टोटल कितने कार्ड हैं जिन से वो रखने हैं 26 कार्ड, और एस ऑफ स्पेड्स नहीं रखना, क्योंकि ये दो कार्ड आपने नहीं रखने, ओके, ये दो कार्ड आपने नहीं रखने, बाकी कार्ड आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने डायमंड कार्ड आपने 26 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए इन दो हाउसेज में जो मैंने लॉन्ग एयर किए हैं, और वो दो हाउस क्योंकि बचे थे जिनमें अभी तक एस नहीं गया था, उन दो हाउसेज में से में आपने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए और एस ऑफ डायमंड उनमें से किसी एक में भेज दिया। तो ये 26 दो हाउस में कार्ड जाने हैं, और टोटल 50 कार्ड्स हैं जिनमें से आप वो कार्ड चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दो एस जो प्रीवियस हैं वो नहीं रखने बस। सिमिलरली आखिरी इवेंट जो होगा यहाँ पे वो ये होगा कि आपने पहले तीनों एसेज अलग अलग हाउस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, अब आप चौथा एस जो है वो जो बाकी एक हाउस रह गया उसमें रखते हैं। तो अब ऑब्वियसली अगर आप सपोज करो कि एस ऑफ डायमंड इस हार्ट, एस ऑफ डायमंड इस सेकंड हाउस में चला गया, तो आखिरी एक ही हाउस बचेगा जहाँ पे आप एस ऑफ, कौन सा एस रह गया, एस ऑफ स्पेड रख सकता हूँ, ठीक है, नहीं स्पेड वाला एस हो गया, डायमंड वाला भी हो गया, हार्ट वाला भी हो गया, क्लब का रहता है, तो एस ऑफ क्लब आप रखेंगे तो आपके पास एक ही हाउस रह गया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस एक हाउस में 13 कार्ड आने, ठीक है, और टोटल जो है 52 में से 49 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप, क्योंकि जो तीन एस पहले रह निकल गए हैं अलग अलग हाउसेज में वो नहीं आपने रखने हैं, बस बाकी जो मर्जी 49 में से कार्ड उठाएं और इन 13 कार्ड इस हाउस के 13 कार्ड चूज़ कर लें उसमें से। तो ये आपने अलग अलग फाइंड कर ली प्रोबेबिलिटीज़, ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ आप जो आपने ऊपर फार्मूला रखा है चारों इवेंट्स के इंटरसेक्शन वाला उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जस्ट ये मल्टीप्लाई ही करनी थी, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करते गए यहाँ पे, तो ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया 0.105, यानी कि 10% या 10.5% चांसेस हैं
कि ये सारे एसीज अलग अलग हाउसेज में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, तो काफ़ी कम चांसेस हैं कि ऐसा होगा। तो ये इस तरह से उसने थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जो है वो हाउसेज के डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, कार्ड बड़ी बड़ी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अलग अलग प्रॉबिलिटीज़ बता दी हैं। तो कुछ क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन सिंपल हो सकते हैं। अच्छा चलें, आखिरी चीज़ जो आज की हमें डिस्कस करनी है वो है बेस फार्मूला। अभी तक जो ऊपर एग्जाम्पल्स थी वो सिंपल कंडीशनल प्रॉबिलिटी की एग्जाम्पल्स हैं कि आपको एक इवेंट दिया जाए और वो उसमें कोई कंडीशन रख दी जाए कि ये इवेंट करना है लेकिन अंडर दिस कंडीशन करना है। तो आप खुद ही उस इवेंट को देखते हुए थोड़ा सा स्केच बना लें कि ये इवेंट अगर करना चाह रहे हैं हम और ये कंडीशन है कि ऐसे करना है तो फिर उसमें क्या क्या चांसेस हैं। तो थोड़ी बहुत वेरिएशन कुछ एग्जांपल्स कर ली हमने। बेस फार्मूला कंडीशनल प्रॉबिलिटी को करने का एक और तरीका है, ठीक है, काफ़ी अच्छा टूल है ये और कॉम्प्लेक्स कंडीशनल प्रॉबिलिटीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। बेस फार्मूला आपने लाजमी याद रखना है, इसका फार्मूला भी मैं बताता हूँ। कुछ डेरिवेशन है इससे पहले इसने ये की है और ये कहता है कि अगर एक इवेंट ई है उसको आप दो तरीकों से लिख सकते हो, उसको आप दो इवेंट्स के यूनियन के तौर पे लिख सकते हो। एक ये कि ई का वो पार्ट जो एफ में है, यूनियन ई का वो पार्ट जो एफ में नहीं है। तो ऑब्वियसली आप किसी भी इवेंट के लिए ऐसा लिख सकते हो ना, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ों को ऐड करने से ही बनता है एक इवेंट। तो एक इवेंट कोई भी इवेंट ई लिया आपने और आपने कोई भी दूसरा इवेंट एफ लिया है तो आप ई के उस एफ के रिस्पेक्ट से दो हिस्से कर सकते हो कि ई का वो पार्ट जो एफ में है, यूनियन ई का वो पार्ट जो एफ में नहीं है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो पूरे का पूरा ई आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप स्टेटमेंट को रीड भी करो तब भी ये समझ आनी चाहिए कि पूरा इवेंट आपको इस तरीके से मिल जाना चाहिए। तो अगर हम ये कंडीशन यूज़ करेंगे किसी भी इवेंट को आप इन दो हिस्सों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये डिसजॉइंट हैं, यानी कि एक इवेंट के आपने दो म्यूचुअली डिसजॉइंट हिस्से कर दिए, ई एफ और ई एफ कॉम्प्लीमेंट में कोई कॉमन चीज़ नहीं होगी, ठीक है, ये दोनों डिसजॉइंट पोर्शंस हैं। तो इसका मतलब है आपने ई की पार्टीशन कर दी है इन दो हिस्सों में, ठीक है। तो इसका मतलब है ई का एक आपने डिसजॉइंट पोर्शन ले लिया। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप प्रोबेबिलिटी अप्लाई करोगे तो इस यूनियन की जगह पे आप प्रोबेबिलिटी को ऐड कर सकोगे क्योंकि ये डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। तो अब हमने यही काम किया, अब हमने इसी इवेंट ई पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी और राइट हैंड साइड पे जब प्रोबेबिलिटी अप्लाई हुई तो वो यूनियन था क्योंकि, तो जो है प्लस में चेंज हो गया, जो आपने इस चैप्टर के शुरू में एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में प्रोपोजिशन पढ़ी थी कि डिसजॉइंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे उसको ऐड कर दिया। तो फिर जब ऐड आपने कर दिया इसको तो जो फर्स्ट इसका पार्ट था ई इंटरसेक्शन एफ उसको आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूला के जरिए एवेल्यूएट कर लिया। और जो मैंने कहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूला में अगर आप इंटरसेक्शन के नीचे जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें दूसरी तरफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली टर्म के साथ तो ये बन जाएगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूला में से इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसका। तो वहाँ से आपने ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू भी ले ली और ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट को भी सेम तरीके से फिर से लिख दिया। तो ये जो फार्मूला है आमतौर पर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू ई गिवन एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस ई गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, ये भी इस्तेमाल होता है। और इसी फार्मूला की में सिर्फ आप ई एफ पी एफ कॉम्प्लीमेंट की जगह पे उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी रख दें। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो वो एफ कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इस बाकी फार्मूला सारा अनचेंज है, सिर्फ आखिरी टर्म कॉम्प्लीमेंट की जगह पर ये रख दें तो ये सेम फॉर्म है। इसका मतलब है जस्ट आपने एक और इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है। जो सेकेंड इक्वेशन है ये ज़्यादा कॉमन है, वो तो आप जब इवेल्यूएट करना शुरू करेंगे तो आप एफ कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर ही लेंगे। तो असल फार्मूला की जो फॉर्म है वो सेकंड इक्वेशन ही है। तो आप ये सेकंड इक्वेशन में जो फार्मूला दिया हुआ है इसको आप याद रखें कि ये 3.1 में बेस फार्मूला की रिप्रेजेंटेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। इसकी और फॉर्मेशन भी हैं, इसकी एक दो शायद वो आगे इस्तेमाल करें। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी का। ये वो पार्टीशन थी जो मैं कह रहा था कि आपने इवेंट ई की पार्टीशन कर दी है इनटू ई इंटरसेक्शन एफ एंड ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखें कि जो ग्रे, जो लाइट ग्रे रीजन है लाइनिंग वाला और जो डार्क ग्रे रीजन है सॉलिड वाला, ये दोनों डिसजॉइंट है, यानी कि डार्क ग्रे रीजन एक हिस्सा है और लाइट ग्रे रीजन इवेंट ई का दूसरा हिस्सा है। और इवेंट ई जो है वो लाइट ग्रे और डार्क ग्रे रीजन के अंदर सेपरेट हो रहा है नॉन ओवरलैपिंग रीजन की फॉर्म, यानी कि ई की पार्टीशन कर रहे हैं ई एफ और ई एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो ये इसकी पार्टीशन होती नज़र आ रही है। अच्छा जी, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ बेस फार्मूला
ठीक है, ये लाजमी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का इस वक्त। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बेस फार्मूला को अप्लाई करना आपको लाजमी आना चाहिए। ओके, एन इंश्योरेंस कंपनी बिलीव्स दैट पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। तो एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो बिलीव करती है कि जो पॉपुलेशन है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। ऑब्वियसली पार्टीशन कर रहे हैं वो, दोज हु आर एक्सीडेंट प्रोन। एक्सीडेंट प्रोन वो लोग हैं जो जिनकी नेचर या काम इस तरह का है कि वो बहुत एक्सीडेंट करवाते हैं अपने। एंड दोज हु आर नॉट, जो नहीं है वो लोग हैं जो बहुत सेफ ड्राइवर हैं और वो अपने एक्सीडेंट नहीं करवाते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो बहुत एक्सीडेंट करवाते हैं अपने, वो स्पोर्ट्स से रिलेवेंट हो सकते हैं या वैसे वो यंगस्टर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी इसकी स्टडी इसलिए करती है ताकि वो अपनी पॉलिसी उन लोगों को ज़्यादा बेचें जो अपने एक्सीडेंट कम करवाते हैं, ताकि उन पर खर्चा ना हो उस कंपनी का ज़्यादा। द कंपनी स्टैटिस्टिक्स शो दैट द एक्सीडेंट प्रोन पर्सन विल हैव एन एक्सीडेंट एट सम टाइम विद इन अ फिक्स्ड वन ईयर पीरियड विद प्रोबेबिलिटी 0.4। अब जो डेटा कंपनी ने कलेक्ट किया है ओवर द टाइम, वो इस तरह का है कि जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है, पीपल शो दैट एक्सीडेंट प्रोन पर्सन, नहीं एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट प्रोन है, अब मैं इवेंट आप जो इंफॉर्मेशन है वो हाईलाइट कर रहा हूँ। शो दैट एन एक्सीडेंट प्रोन पर्सन विल हैव एन एक्सीडेंट एट सम टाइम विद इन फिक्स्ड वन ईयर विद प्रोबेबिलिटी 0.4। यानी कि जो एक्सीडेंट प्रोन कैटेगरी में लोग आ रहे हैं उनमें से किसी भी बंदे का विद इन वन ईयर एक्सीडेंट हो जाने के चांसेस 0.4 हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 40% चांस होना किसी चीज़ की अकर करने का, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो ये 40% चांसेस हैं कि एक्सीडेंट प्रोन बंदा अपना एक्सीडेंट करवा लेगा विद इन वन ईयर। वेयर एज दिस प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेज टू 0.2 फॉर अ पर्सन हु इज़ नॉट एक्सीडेंट प्रोन। और जो लोग एक्सीडेंट प्रोन नहीं हैं विद इन वन ईयर, उनमें से किसी के एक्सीडेंट होने के चांसेज 0.2% हैं, ठीक है। यानी कि 20% है, यानी कि 0.2 प्रोबेबिलिटी है कि एक्सीडेंट प्रोन जो बंदा नहीं है उसका एक्सीडेंट हो, और जो बंदा एक्सीडेंट प्रोन है उसका एक्सीडेंट होने के चांसेस 0.4 है। तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट प्रोन लोगों के ज़्यादा एक्सीडेंट होने हैं, और एक्सीडेंट प्रोन नहीं है उनके एक्सीडेंट कम होने। ये तो उसने गिवन प्रोबेबिलिटीज़ बता दी, जो उसने पॉपुलेशन के दो हिस्से किए थे उसके हिसाब से उसने प्रोबेबिलिटीज़ बता दी। अब आगे चलें, इफ़ वी अज्यूम दैट 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सीडेंट प्रोन। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम एज्यूम कर लें कि जो टोटल सिटी या कंट्री की पॉपुलेशन है जिन्होंने उस कंपनी से इंश्योरेंस करवानी है, अब जाहिर बात है लाहौर में एक इंश्योरेंस कंपनी है तो ज़्यादातर लाहौर के लोग या नेबर कंट्रीज़ की सिटीज़ के लोग ही करेंगे ना, कोई बाहर के मुल्क से आकर तो नहीं करवाएगा इंश्योरेंस यहाँ पर। तो जो भी उसकी पॉपुलेशन है उस कंपनी की, लोकल पॉपुलेशन, अगर वो कंपनी स्टडी करे कि उस टोटल पॉपुलेशन के 30% जो हैं वो एक्सीडेंट प्रोन हैं, ठीक है, देन अब क्वेश्चन शुरू हो गया यहाँ से। देन अगर 30% लोग पॉपुलेशन के एक्सीडेंट प्रोन हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग द पॉलिसी। अब एक नया बंदा है, उसने आज ही अपनी पॉलिसी इंश्योरेंस करवाई है, और अब आप प्रोबेबिलिटी बताएं कि उसका एक साल में एक्सीडेंट होगा या नहीं, ठीक है। तो पहले आप ये देखेंगे कि वो बंदा क्या एक्सीडेंट प्रोन की कैटेगरी में है कि एक्सीडेंट प्रोन नॉन एक्सीडेंट प्रोन की कैटेगरी में, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि वो एक्सीडेंट होगा, उसका कितने चांसेस हैं इसके, ठीक है। ओके, वी शैल ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी बाय फर्स्ट कंडीशनिंग अपॉन वेदर और नॉट द पॉलिसी होल्डर इज एक्सीडेंट प्रोन और नॉट, ठीक है ना। जाहिर बात है पहले आप ये देखें ना कि वो बंदा एक्सीडेंट प्रोन है या नहीं है। लेट ए वन डिनोट द इवेंट दैट द पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन वन ईयर ऑफ परचेजिंग द पॉलिसी। सबसे पहले जो उसने कहा है वो तो करें, उसने कहा है कि ए वन की प्रोबेबिलिटी बताएं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है ना कि न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट, तो इसका मतलब है कि आप पहले तो प्रोबेबिलिटी बताएं। और उसने इवेंट ए वन उसका नाम रख लिया कि जो न्यू पॉलिसी होल्डर है उसका एक साल में एक्सीडेंट होगा, इवेंट ए वन हो गया। इसका मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए वन की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको इवेंट की, ठीक है। तो हमने ये ए वन नाम रख लिया अपने क्वेश्चन का, ए वन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। एंड लेट ए डिनोट द इवेंट दैट द पॉलिसी होल्डर इज एक्सीडेंट प्रोन। ए इवेंट का नाम रख लिया कि वो पॉलिसी होल्डर जो है वो एक्सीडेंट प्रोन है। उसका नॉन एक्सीडेंट प्रोन होने के लिए अलग नाम रखने की जरूरत नहीं है, वो एक्सीडेंट प्रोन है तो उसका नाम इवेंट ए रख दिया, और अगर वो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है तो उसका नाम हम ए कॉम्प्लीमेंट रख लेंगे, तो इसलिए अलग अलग नाम रखने की जरूरत नहीं है। अब बताएं, एक्सीडेंट प्रोन होने के लिए ए नाम रख लिया आपने, अब ए वन की प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पे आपके पास सबसे अच्छा तरीका जो गेस है यहाँ पे हिंट है कि यहाँ पे बेस फार्मूला लगेगा वो ये कि आपने जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके लाइकली चांसेस होंगे कि वो दो अलग अलग पॉपुलेशन में से बिलोंग कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपने ए वन की प्रोबेबिलिटी बतानी है पॉलिसी होल्डर की, तो क्वेश्चन यही है कि वो पॉलिसी होल्डर या तो एक्सीडेंट प्रोन कैटेगरी में है पॉपुलेशन की या नॉन एक्सीडेंट प्रोन कैटेगरी में है। तो इसका मतलब है बेस फार्मूला लगाना है आपने, क्योंकि वो है जो इवेंट ए और इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट में पार्टीशन करता है किसी एक इवेंट का। ठीक है, तो ये हिंट है आपका कि यहाँ पे आपने, क्योंकि इवेंट आपका जो फाइंड करना है वो दो अलग अलग पॉपुलेशन में से बिलोंग कर सकता है, इस वजह से आपने ये हिंट लेके आपने गेस कर लिया कि यहाँ पे बेस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो बेस फार्मूला की स्टेटमेंट तो आपको याद है, तो ए वन इवेंट के ऊपर आप बेस फार्मूला अप्लाई करें और उसके लिए जो आपने जिस इवेंट की रिस्पेक्ट से आपने इसकी पार्टीशन करनी है, क्योंकि अभी जो आपने फार्मूला पढ़ा है बेस फार्मूला का, उसमें आपने ई की, आपने इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी और एक एफ इवेंट था, पॉपुलेशन जो थी वो एफ और एफ कॉम्प्लीमेंट में पार्टीशन हो रही थी, तो आपने इस रिस्पेक्ट से इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी बताई है। ठीक है, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी बताई है इन टर्म्स ऑफ कि आइदर वो एफ से इंटरसेक्ट करता है या एफ कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट से तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो असल में ए और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर डिवाइड हो रही थी ना, क्योंकि यहाँ पे जो दो, यहाँ पे जो उसने कहा है कि जो पॉपुलेशन है सिटी की जो भी है वो या तो वो एक्सीडेंट प्रोन है, उसके दो हिस्से हैं, एक वो लोग जो एक्सीडेंट प्रोन है और दूसरे वो लोग जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है। ठीक है, अब जब एक नया पॉलिसी होल्डर है और वो पता नहीं है कि वो इस किस कैटेगरी में है, और जब वो अपनी पॉलिसी लेगा इंश्योरेंस करवाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी के वो, उसकी प्रोबेबिलिटी के उसका एक्सीडेंट होगा वो इन दोनों के साथ ओवरलैप करेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन जो है वो इस तरह से इन दोनों से ओवरलैप करेगी, तो उसके दो हिस्से होंगे, उसका वो पोर्शन जो उसका एक्सीडेंट प्रोन के साथ लिंक करता है और उसका वो पोर्शन जो उसका नॉन एक्सीडेंट प्रोन के साथ लिंक करता है, वो दोनों आपको अकाउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपने ए वन की प्रोबेबिलिटी फाइंड की विद रिस्पेक्ट टू द इवेंट ए, और इवेंट ए ये था कि लेट ए डिनोट द इवेंट दैट द पॉलिसी होल्डर इज एक्सीडेंट प्रोन। तो अब ए वन की प्रोबेबिलिटी निकालें विद रिस्पेक्ट टू एक्सीडेंट प्रोन एंड नॉन एक्सीडेंट प्रोन, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा ए वन गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए वन गिवन ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो आपने जस्ट वो फार्मूला, बेस फार्मूला वहाँ से देख के यहाँ पे उसको सिमिलरली इन इवेंट्स के नाम की रिस्पेक्ट से राइट कर लिया। अब ये कि यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे फिल करनी है, यहाँ पे जो आपने ब्रेक डाउन किया है इवेंट्स का वो वाली प्रॉबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ पे कि प्रॉबिलिटी ए वन गिवन ए क्या है, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में बताएं और फिर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए वो बताएं। हाँ जी, कौन ट्राई कर रहा है? ए वन गिवन ए, यहाँ से ए वन पढ़ें, फिर ए पढ़ें, फिर ए वन गिवन ए का मीनिंग बताएं और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में कहाँ बताया गया कि ऐसा होगा। हाँ जी, ए वन गिवन ए के बारे में बताएगा कोई? ए वन गिवन ए क्या है इवेंट? सर ए वन डिनोट कर रहा है इवन इवेंट को जहाँ पे वो एक साल में एक्सीडेंट होगा जिनका। हाँ, ए वन गिवन ए जो है, एक मिनट दीजिएगा मुझे, अच्छा एक्सीडेंट हुआ पॉलिसी परचेज करेंगे। अच्छा, ए वन क्या था इवेंट? ए वन था कि उसका एक्सीडेंट होगा, जो भी नया पॉलिसी होल्डर है, ए वन था कि उसका एक्सीडेंट होगा, और ए था कि वो एक्सीडेंट प्रोन है। तो ए वन गिवन ए क्या बन गया कि प्रोबेबिलिटी के एक नया पॉलिसी होल्डर जिसका एक्सीडेंट होगा और वो एक्सीडेंट प्रोन है उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी वही बन गई ना जो क्वेश्चन में उसने बताई थी कि एक नया पॉलिसी होल्डर अगर वो एक्सीडेंट प्रोन है तो उसके एक्सीडेंट होने की विद इन वन ईयर प्रोबेबिलिटी 0.4 होगी। तो ये उसने 0.4 पहले के लिए पुट कर दिया यहाँ पे। सही है, इवेंट का जो है वो लॉजिकली मीनिंगफुल होना ज़रूरी है यहाँ पे।
फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है कि एक्सीडेंट प्रोन होगा वो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहाँ पे दी है उसने? वो 30% उसने कहा है ना कि पॉपुलेशन एग्जैक्टली 30% जो है वो एक्सीडेंट प्रोन है, तो उसको हम लोगों ने बिल्कुल, और इस स्टेटमेंट में कोई कंडीशन नहीं थी, उसने डायरेक्ट स्टेटमेंट दी थी कि पूरी पॉपुलेशन में से एक्सीडेंट प्रोन लोग 30% हैं, तो ये डायरेक्ट पी ऑफ ए 0.3 आ गया यहाँ से 30% से। फिर ए वन गिवन ए कॉम्प्लीमेंट, ए वन गिवन ए कॉम्प्लीमेंट को रीड करें तो क्या बनेगा कि एक नया पॉलिसी होल्डर एक्सीडेंट उसका होता है विद इन वन ईयर, गिवन दैट ए कॉम्प्लीमेंट ही इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन, तो नॉन एक्सीडेंट प्रोन का एक साल में एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी उसने 0.2 दी थी शुरू में क्वेश्चन में, कि 0.2 प्रोबेबिलिटी है कि नॉन एक्सीडेंट प्रोन अपना एक्सीडेंट करवा ले एक साल में, तो 0.2 प्रोबेबिलिटी है उसकी। और फिर अगेन ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, नॉन एक्सीडेंट प्रोन पॉपुलेशन कितनी है, कितनी है नॉन एक्सीडेंट प्रोन पॉपुलेशन? हाँ जी, जब 30% निकाल दिए ना तो बाकी 70% हो जाएगी। बिल्कुल सही, 30% निकाल प्रोन तो बाकी 70% ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट वैसे भी कर सकते थे कि 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो यहाँ पर रखा था ना उसने फॉर्मूला में, वो भी कर सकते हैं। तो सारी वैल्यूज तो आपको पता चल गई हैं, तो अब जस्ट आपने वो सारी वैल्यूज यहाँ पे रखी हैं, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, तो 0.26 आपका आंसर आ गया रिक्वायर्ड कि नया पॉलिसी होल्डर जो है वो एक्सीडेंट उसका होगा, ये प्रोबेबिलिटी है उसकी, सही हो गया। तो ऑब्वियसली ये दोनों के दरमियान में लाए कर रहे हैं कि एक्सीडेंट प्रोन और नॉन एक्सीडेंट प्रोन दोनों के दरमियान में कहीं पर है ये। अच्छा, तो ये इस तरीके से जो है वो बेस फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने अब ये करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है यहाँ पे वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे वो इवेंट फॉर्मेशन तो वो कर रहा है, लेकिन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग नहीं लिखता है, डायरेक्ट फार्मूला में लिख के बताता है। तो आपने ये करना है, आपने जब ये क्वेश्चंस करने हैं या जो मैं असाइनमेंट्स या क्विज या पेपर में देता हूँ, आपने इन क्वेश्चंस में इवेंट अलग से लिख के बताना है कि लेट ए वन डिनोट द इवेंट, ये स्टेटमेंट लिखता है ना, आपने इसी तरह लिखना है ए वन इज इक्वल टू ये इवेंट, ए इज इक्वल टू ये इवेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ये इवेंट, हर इवेंट का अलग अलग बताना है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन अलग बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अलग बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन गिवन ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन गिवन ए कॉम्प्लीमेंट अलग अलग बतानी है। सारी प्रोबेबिलिटीज पहले आपने एक्सप्लेन करनी है कि ये इवेंट कैसे उसकी ये प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद आपने फार्मूलाज में वो चीज़ें पुट करनी है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह नहीं है कि डायरेक्ट अपने नंबर रखे हैं और आंसर दे दिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि कौन सी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये चीज़ें आपने लिखनी है कि हर एक इवेंट की पहले अलग अलग प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा एनालिसिस करके डिस्कस करनी है, और फिर आपने वो फॉर्मूला में वैल्यूज रख देनी। अच्छा, इसी का पार्ट टू यहाँ पे किया हुआ है। पार्ट टू में उसने कहा है कि सपोज दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर हैज़ एन एक्सीडेंट विद इन एन ईयर ऑफ परचेजिंग अ पॉलिसी। वहाँ पे उसने पूछा था कि आप बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका एक्सीडेंट होगा एक साल में नए पॉलिसी होल्डर का। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि सपोज करें कि हम, अब वहाँ पे तो ये है ना कि प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि होगा, हो सकता है हो ही ना उसका एक्सीडेंट कई साल, तो फिर ठीक है। तो यहाँ पे अब सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि भाई पॉलिसी होल्डर जो था उसका एक्सीडेंट हो चुका है, हो गया, ठीक है, हैज़ एन एक्सीडेंट विद इन वन ईयर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी इज़ एक्सीडेंट प्रोन। अब एक साल में उसका एक्सीडेंट हो चुका है, अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक्सीडेंट प्रोन पॉपुलेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी इवेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी इज एक्सीडेंट प्रोन गिवन दैट ही हैज़ एन एक्सीडेंट विद इन वन ईयर ऑफ परचेजिंग द पॉलिसी। अब जाहिर बात है आपने इवेंट ए पहले से नाम रख लिया है, आपने इवेंट ए को कहा है कि ए बी द इवेंट दैट द पॉलिसी होल्डर इज एक्सीडेंट प्रोन, ए वन इज द इवेंट दैट ही और शी हैज़ एन एक्सीडेंट विद इन वन ईयर, सही है। तो अब जो स्टेटमेंट पढ़े हैं इसकी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी इज एक्सीडेंट प्रोन गिवन दैट द पॉलिसी होल्डर हैज़ एन एक्सीडेंट विद इन वन ईयर ऑफ परचेजिंग द पॉलिसी। जो पहली लाइन है वो गिवन दैट है, और जो सेकेंड लाइन है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, इसको अरेंज करेंगे गिवन ए वन बन जाएगा, समझ आ रही है जी सर? सर यहाँ पे कंडीशन है ना कि, हाँ कंडीशन पहली लाइन में है यहाँ पे, देखो कंडीशन, अब देखो यहाँ पे उसने गिवन दैट का वर्ड यूज नहीं किया ना, तो आपने खुद जज करना है कि यहाँ पे क्या चीज़ हो चुकी है और क्या बताना है। तो आपने देखा कि जो पहली लाइन है वो असल में कंडीशन है कि भाई उसका एक्सीडेंट हो चुका है पहले साल, अब बताना क्या है कि बताओ कि भाई वो एक्सीडेंट प्रोन है या नहीं। तो इसका मतलब है कि ए प्रोबेबिलिटी ए था, ए इवेंट था ना कि वो एक्सीडेंट प्रोन होगा, तो ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है, क्योंकि ये जो सेकंड लाइन है असल में ये इवेंट ए है,
और जो फर्स्ट लाइन थी वो असल में ए वन था, ठीक है ना। तो अब सेकंड लाइन की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो इसका मतलब है कि, और फर्स्ट लाइन गिवन वाली है कंडीशन, तो इसका मतलब है ए गिवन ए वन फाइंड करना पड़ेगा। अब ए गिवन ए वन फाइंड करना है, सबसे पहले आपने ये डिसाइड किया कि ए गिवन ए वन फाइंड करना है, तो अब तो कंडीशनल फार्मूला लगाएं सीधा सीधा, ये तो आपको पता है पहले ही। तो उसमें क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय ए वन की प्रोबेबिलिटी। दोनों का इंटरसेक्शन आपको नहीं पता असल में, दोनों का इंटरसेक्शन आपको एज सच नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए आपने उस इंटरसेक्शन की जगह पे अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला इस्तेमाल किया, यानी कि आपने यूज़ किया कि एक, अब मैं प्रीवियस अरेज कर दूँ थोड़ा सा क्योंकि वह रश ज़्यादा हो जाता है, ताकि पता चले कि मैं अभी करंटली किस पे फोकस कर रहा हूँ। तो अब क्योंकि ये वाला इंटरसेक्शन का फार्मूला आपको एक्सप्लिसिटली नहीं पता, तो इसकी जगह पे आपने अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में से इस इंटरसेक्शन वाले टर्म को सेपरेट करके, तो जो बाकी हिस्सा बचता है इसका, उस फॉर्म में इसको फिर से लिख लिया। समझ रहे हैं कि ये कैसे लिखा है उसने? देखो ना, एक तो है ए गिवन ए वन की अपनी प्रोबेबिलिटी वाली फॉर्म, वो उसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली फॉर्म यहाँ पे लिख दी। फिर ए इंटरसेक्शन ए वन जो है वो ए वन गिवन ए के फॉर्म में भी आ सकता है ना, तो उसने ए इंटरसेक्शन ए वन क्योंकि नहीं पता हमें, तो उसको वापस उसने ए वन गिवन ए इंटू ए की प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख दिया, और नीचे डिनोमिनेटर उसी तरह रहा, उसको उसने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक समझ आ गया कि ये फॉर्मूला में सॉल्यूशन कैसे किया दोबारा उसने? उसने जस्ट न्यूमिनेटर में इंटरसेक्शन वाली टर्म को अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले फार्मूला में से सेपरेट करके, तो अगेन वो न्यूमिनेटर वाली टर्म लिख दी है उसने। सही है, समझ जाएंगे? और डिनोमिनेटर को उसने कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी पिछले क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हो, ए वन गिवन ए भी कर चुके हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन भी कर चुके हो फाइंड पिछले क्वेश्चन में 0.26। वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ आई है कि उसने ये दो क्यों जी जी सही न्यूमिरेटर में उन्होंने वैल्यूज आगे पीछे नहीं कर दी, ए वन ए की आगे पीछे कर दी है, क्योंकि दोनों फार्मूलाज में, क्योंकि चाहे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन ए गिवन ए वन फाइंड करें उसमें भी यही इंटरसेक्शन आता है, और चाहे आप ए वन गिवन ए फाइंड करें उस कंडीशन प्रोबेबिलिटी में भी, ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आना ना, इंटरसेक्शन में तो आप जिसका मर्जी आगे पीछे लिखें, समझ आ रही है? तो इंटरसेक्शन की टर्म को उसने स्विच कर दिया है कि इंटरसेक्शन वाली टर्म के जरिए ए वन गिवन ए के फार्मूला को ए गिवन ए वन के फार्मूला में चेंज कर दिया, समझ आ रही है ना? उसने स्विच कर दिया इसको पहले कर दिया, क्योंकि आपको पिछले क्वेश्चन में ए वन गिवन ए पता था, तो इसलिए उसने इसको रीराइट करके उसी फॉर्म में ले आया पुरानी वाली, ताकि वो पिछले क्वेश्चन में से वही टर्म्स इस्तेमाल करें। सही हो गया? तो आप ये स्विचिंग कर सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जी सर सेपरेट कर दिया। गुड, मुझे लगता है सिर्फ एक स्टूडेंट को ये बात समझ आई है, बाकियों को नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये सारा इसको लिख लें एक बार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आप मेरी मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करें, आप पहले ए गिवन ए वन का फार्मूला अलग लिखें यहाँ पे, फिर आप ए वन गिवन ए का फार्मूला अलग लिखें यहाँ पे, और फिर आप देखें कि उनके फार्मूलाज में जो है दोनों में न्यूमरेटर यही वाला आता है ए इंटरसेक्शन ए वन, क्योंकि उसको आप ए वन भी लिख सकते हो, ए वन ए भी लिख सकते हो, दोनों सेम। तो यहाँ पे उसने पहले एक फार्मूला में से ये वाली फॉर्म लिखी और फिर इसको दूसरे वाले फार्मूला में स्विच कर दिया, तो वहाँ से इसके पास ये वाली टर्म बन गई, और इसमें सारी वैल्यूज आपको पहले से पता थी, वो जस्ट सब्स्टिट्यूट किए हैं, उसको सॉल्व कर लिए, तो ये आपका आंसर आ गया। इस एग्जांपल को आपने खुद से दोबारा से एक बार खुद से सॉल्व भी कर लेना, ठीक है, फ्री टाइम में। अच्छा जी, ये सर, इस एग्जांपल में जो ए और ए1 नेम है ये खुद से दिए हुए हैं? ए और ए1 आपने अभी फॉर्म किया ना पार्ट ए में, पार्ट वन में आपने ए रखा था इवेंट प्रोन होने की, एक्सीडेंट प्रोन होने की इवेंट को, और ए वन आपने रखा था कोई भी पॉलिसी होल्डर एक साल में एक्सीडेंट होगा उसका ए वन इवेंट, तो ये इवेंट आपने शुरू में ही नाम रख लिया था, ये सर्कल कर रहा हूँ मैं, ये ए वन और ये ए, ये आपने क्वेश्चन के स्टार्ट में जी सर खुद ही किया ना हमने, तुम यानी कि कोई भी रख सकते हैं जी जी आपने खुद रखे हैं, और किस किस बेस पे रखे हैं, जो आपने स्टेटमेंट, ये मैंने एरो लगाया था, मैंने कहा था ये वो एरो है जो आपने स्टेटमेंट जहाँ से क्वेश्चन की शुरू हो रही है, कि यहाँ से आपने वो चीज़ है जो आपने फाइंड करनी है, तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको लाजमी इवेंट का नाम दे लेते हैं, और फिर जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक इवेंट का नाम दे लेते हैं, तो जो फाइंड करना था उसको खुद ही हमने ए वन कह दिया, सही है, तो जो बाकी था उसको हमने ए कह लिया जो यूज़ करना था, तो इस तरह से दो इवेंट्स के नाम रखने से ही ये सारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है ना। ये इवेंट का नाम रखना टेक्निकल काम है वैसे इस पूरे काम कोर्स में,
क्योंकि इवेंट्स अगर आप जो है वो सही तरीके से इवेंट्स चूज़ कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाता है। तो आपने बस यही देखना है कि जब क्वेश्चन आपको समझ आ गया क्वेश्चन स्टेटमेंट एग्जैक्टली किस चीज़ को फाइंड करना है, तो एग्जैक्टली उस चीज़ को एक इवेंट बनाएं, फिर उसको फाइंड करने के लिए जो फार्मूला आपको पता है कि क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसमें जो चीज़ यूज़ करनी है उसको देखें कि वो क्वेश्चन में वो गिवन है कि नहीं, उसको इवेंट के तौर पर फाइंड करें, उसका भी इवेंट के तौर पर नाम रखें ताकि उसको यूज़ कर सकें फार्मूला में। इस तरह से आप दो तीन क्वेश्चन को देखें कैसे उसने इवेंट्स का नाम रखे हैं, आपको समझ आ जाएगी। सर अगर यहाँ पर उसने कहा हो कि यहाँ पे एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो तब हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वाली चीज़ को यूज़ करना है। दोबारा से एक बार पूछिएगा, कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करना है? सर इसमें जो पार्ट टू में इसने कहा है ना कि अगर जो हमारे पास पॉलिसी होल्डर है उसका एक्सीडेंट हो गया है, अगर उसने कहा हो कि अगर कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ तो फिर कॉम्प्लीमेंट वाली चीज़ आएगी। हाँ जी बिल्कुल सही। जब आपने इवेंट्स के नाम रख दिए हैं ना, तो जब आप देखें कि कहीं पे भी नॉट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो आप उसी इवेंट पे कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करके उसी तरह क्वेश्चन को प्रोसेस करें, फार्मूलाज वही इस्तेमाल होंगे। जब एक इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में आ जाएगी तो उसको वन में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिएगा उस इवेंट की, तो वो इवेल्यूएट कर लीजिएगा। तो आपने करना इसी तरह क्वेश्चन को सिंपल जिस तरीके से दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, बारी बारी उसी तरीके से इवेंट्स के नाम रखते जाएँ। तो जहाँ पे किसी चीज़ के साथ नॉट इस्तेमाल होगा तो नॉट को छोड़ के बाकी चीज़ को इवेंट का नाम रख लें, और नॉट के साथ जब उसको कंसिडर करेंगे तो वो उसी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो बाकी उसी सर ये फार्मूले की पहचान कैसे होगी, या जैसे ऊपर वाले में प्लस यूज़ किया होगा प्लस वाला, और नीचे वाले में वो दूसरे वाला ओवर वाला? देखिए नीचे वाले क्वेश्चन में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं थी पॉपुलेशन में कि ये किस कैटेगरी में होगा। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज एक्सीडेंट प्रोन। अब ये जो है उसने खुद ही देखो ना, पॉपुलेशन के दो हिस्से थे, एक एक्सीडेंट प्रोन और एक नॉन एक्सीडेंट प्रोन। उसने यहाँ पे एक कंपोनेंट के बारे में बात की है कि एक्सीडेंट प्रोन होगा, बताएं प्रोबेबिलिटी। ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने कहा था कि एक पॉलिसी होल्डर है उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताएं, तो फौरन ज़हन में आता है कि एक्सीडेंट हुआ है, एक बंदा है उसने पॉलिसी खरीदी है, तो अब उसकी एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या हैं। इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए कि वो एक्सीडेंट प्रोन में से है कि वो एक्सीडेंट नॉन एक्सीडेंट प्रोन में से है। तो ये जब आपको पता चले कि ये इवेंट पॉपुलेशन के दोनों हिस्सों में अकर कर सकता है, तब आपने ये दो टर्म्स वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, बेस फार्मूला। और जब आपने देखा है कि जो इवेंट आप यहाँ पे फाइंड करना है पार्ट टू में, वो तो जस्ट एक ही कैटेगरी में से सॉल्व हो रहा है, यानी कि उस इवेंट को फाइंड करने के लिए आपको दो अलग केस नहीं लेने पड़ेंगे, तो तब आपने उस पर बेस फार्मूला नहीं लगाया, ये तो आम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाया। समझ गए? जी सर। ओके गुड। ओके थ्री बी जो है यहाँ पे फिर कार्ड्स की एग्जांपल है, तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए कि जो है कैसे किया जा सकता है। थ्री सी को भी प्रैक्टिस करें। फिर से थ्री डी को प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए इसलिए हैं क्योंकि वही बात है आपकी कि आपने इवेंट्स का जब नाम रखने होते हैं तो वहीं पे टेक्निकल काम ये यूज़ होता है कि आपने इवेंट्स को किस तरह से नाम रखे हैं और किस तरीके से फार्मूला इस्तेमाल किया, तो उसकी वजह से आपके पास जितनी अलग अलग एग्जांपल्स हों उतना बेहतर है। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। क्वेश्चन थ्री ई को आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, इसको मैं स्टार भी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बेस फार्मूला जो है वो अपनी बिल्कुल सही स्ट्रेंथ के साथ यूज़ किया उसने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने तसल्ली से आराम से बैठ के आधा घंटा लगा के समझना इसको सही तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखें उसने दोनों पार्टीशन इस्तेमाल किए। देखें यहाँ पे उसने पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल की है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। न्यूमरेटर में जो इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन के लिए उसने फिर से स्विच किया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूला को, और न्यूमरेटर में ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बेस फार्मूला न्यूमरेटर में इस्तेमाल डिनोमिनेटर में इस्तेमाल किया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो करंट एग्जांपल के लिहाज से वो दो पॉपुलेशन में होगी, एक डी के अंदर और एक डी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी ई जो इवेंट है वो उसकी दो पार्टीशन में वो इंसर्ट कर रहे हैं डी और डी कॉम्प्लीमेंट में, इसलिए उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है बेस फार्मूला के जरिए अलग से लिखी। तो आप देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है उसका फार्मूला एक्सपेंड करके इतना बड़ा बन गया, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। इंटरसेक्शन के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला न्यूमरेटर में, और इवेंट के लिए उसकी दोनों पार्टीशंस का अलग अलग सम जो है, पार्टीशंस का अलग अलग सम जो बेस फार्मूला कहता है, तो डिनोमिनेटर में बेस फार्मूला लगा दिया है, न्यूमरेटर में जस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का स्विच किया है।
तो वैल्यूज पुट की हैं तो ये सिंपल जवाब आ गया। बस यही चीज़ है कि आपने जस्ट बेस फार्मूला को प्रैक्टिस करना है अप्लाई करके, ताकि अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस हो जाए। 3F, ये बस एग्जांपल्स ट्राई करते जाएं, जो भी आ रही हैं आगे एग्जांपल्स, जी तक, एच तक, कहाँ तक हैं, ये पूरा बंच होता है यहाँ पे एग्जांपल्स का। ये बहुत अच्छी चीज़ है इस बुक की, ये सारी एग्जांपल्स आपने ट्राई करनी है, ठीक है। ये जो है कुछ एग्जांपल्स का शायद स्टार लगाओ, जिन एग्जांपल्स का स्टार लगा होगा वो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो उसने बताया होता है कि ये टॉपिक से हट के हैं। स्टैट्स का जो मेन थीम है प्रोबेबिलिटी का सेक्शन, उससे हट के हैं, तो वो आप स्विच कर छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपने बाकी सारी प्रैक्टिस करनी है, ये हेड स्टेल वाली लाजमी करनी है। चलें जी, यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। अब जो भी एग्जांपल्स हैं अभी आपकी जो है वो प्रैक्टिस है, आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प लेनी है तो मैं उसके लिए कोई एक आध घंटे का अलग सेशन बना दूंगा, उसमें आपने जो एग्जांपल्स अटैम्प्ट किए हैं मैं उनके सोल्यूशन देख लूँगा और आपकी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करवा दूँगा, ठीक है। लेकिन लेक्चर में हम ये सारी सॉल्व करने बैठेंगे तो फिर तो हम यही काम करते रहेंगे, तो इसलिए मैंने आपको दो तीन एग्जांपल्स करवा दिए। फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। अब ये एग्जांपल्स हैं, इनके सॉल्यूशंस हैं आपके सामने, आप इसको तसल्ली से बैठ के पढ़ें, ठीक है। इसको देखें कैसे यूज़ हो रहा है ये, और जो मैं असाइनमेंट देता हूँ वो असाइनमेंट के तौर पे उन क्वेश्चंस को करें। आज मैंने आपको असाइनमेंट नहीं दिया है क्योंकि अब मैं आपका क्विज रखने वाला हूँ, और वो एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन रखूँगा और एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में से रखूँगा, ठीक है, ताकि आपके दोनों टॉपिक आपके कवर हो जाएं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है तो बताएं, ठीक है ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, अदरवाइज फिर हम यहाँ तक का काम काफी आ गया। सही है, प्रोबेबिलिटी आपने जो एग्जांपल्स दी थी ना उसमें से 5F वाली वो समझ नहीं आ रही थी, उसमें से 5 वाली क्या 5F जो एग्जांपल्स थी वो नहीं हो रही थी। ओके गुड, अच्छा कि आपने मेंशन कर दिया 5F एग्जांपल जो है वो, ठीक है। चले मैं ऐसा करूंगा कि 5F का कोई हैंड रिटन जो है उसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप उसको पढ़ के देखिएगा कि अगर आपको समझ आता है, किसी और स्टूडेंट ने उसको सॉल्व किया है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, डिस्कशन कर सकते हैं उस पर। तो अदरवाइज़ मैं भी उस पर हिंट शेयर कर दूंगा आपसे, तो अगर आपको ना समझ आया तो फिर हम एग्जांपल के लिए कोई सेशन रख लेते हैं एक आधे घंटे का, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगली क्लास में एक क्विज होगा, मैंने आपको बता दिया है, दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट होगा उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसी इवेंट की, सेकेंड पार्ट होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। ओके सर, एक चीज और कहनी थी कि जो असाइनमेंट आपने दी है सर वो 14 एग्जांपल्स है, उनको हाफ कर दे, बहुत लंबी हो गई है, ज्यादा हो गई है, 15 है, 14 ही एक पीछे से भी है। हां जी, एक पीछे वाली 3 वो बनती है और 14 ये है। अच्छा चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं कि जिनके सीएमएस का जो है, जिनके सीएमएस, जिनके सैप नंबर्स जो हैं वो इवन है, वो इन 15 में से इवन एग्जांपल सॉल्व करें, जिनके ऑड हैं सीएमएस वो ऑड एग्जांपल सॉल्व करें, ठीक है। हाफ हो गए यार, इवन फर्स्ट वाले दो लेकिन या पूरा इवन नंबर, जिनका अपनी नंबर इवन होगा वही इवन होगा ना, ऑब्वियसली पर इवन है कि नहीं वो आपका रिजल्ट बताएगा ना सर। एक तो 5 ए से स्टार्ट होती है ना, एक पीछे वाली एग्जांपल भी है तो उसको काउंट, यानी ये पीछे वाली जो एग्जांपल को 1 काउंट करेंगे या 5 ए से 1 काउंट करेंगे। ए से 5 ए का मतलब है एग्जांपल नंबर 1, 5 बी का मतलब है एग्जांपल नंबर 2, ए बी सी है ना, ए बी सी को आप 1 2 3 से लेके 15 तक मान, और ये 5 एन तक है ना, और इतनी बन जाती शायद 13 या 14, और ये जो पीछे वाली एग्जांपल होगी उसको हम लास्ट वाली एग्जांपल काउंट कर लें। पीछे वाली एग्जांपल कौन सी है मुझे उसका नहीं समझ आ रहा, कर लेंगे A1 वाली वो, सर वो जो पीछे वाली वो एक एग्जांपल है वो सारे कर लेंगे, वो सारे कर लेंगे उसका नाम है तो वो कर लें आप। अदरवाइज मैं 5A से 5N तक की बात कर रहा हूँ कि 5A से 5N तक जो भी है 14 15 बनती हैं एग्जांपल्स, इनको A से लेके N तक को 1 से 14 15 तक मार्क करें, और जिनके CMS इवन है वो इवन क्वेश्चंस करें, जिनके ऑड हैं वो ऑड वाले करें, ठीक है। आधे ओके ओके सर, हुए हैं तो अब आप जो जो आपके हिस्से में आया वो कर लें, ठीक हो गया। चलें ठीक है, ओके, तो आज के लिए फिर इतना काफ़ी है, ठीक है। क्विज मैं अगले वीक रख रहा हूँ क्लास में,
और असाइनमेंट के लिए जो भी वेंसडे तक टाइम रखा है ये सॉल्व कर लें वेंसडे तक लाजमी, क्योंकि ये तो बेसिक प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस है और क्विज के लिए ज़रूरी है आपके। सर क्विज में, सर क्विज में अगर ना अगर हम उसकी यानी नेमिंग ठीक दे दें, अपनी तरफ से ही नेमिंग देनी है, नेम ठीक दे दें, अगर कोई फार्मूला कहीं से गलत हो जाता है, कोई वैल्यू गलत आ जाती तो कोई बात नहीं। खैर अब मैं आप सिर्फ मैं आपके क्वेश्चंस की अटैम्प्ट या प्रैक्टिस देखूंगा, आप उसको जैसे भी दिल करता है करें। आप किसी क्वेश्चन के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन प्रपोज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है सर। वो रिजल्ट शेयर कर देना। हाँ रिजल्ट मैं आपको शाम तक शेयर करता हूँ, मेरी एक और क्लास है अभी फ़ौरन, तो उसके बाद मैं शेयर करता हूँ। सर कितने आई एस आएंगे? इतने एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही है, लाइक अभी तक जो मैंने देखा है वो 24-25 तक गए हैं, लेकिन वो एक आदि था पेपर। नहीं सर 20 नंबर का तो पेपर था। नहीं मैंने 30 में से किया ना इसको। ठीक है फिर आप लास्ट निकाल 20 की। हाँ जी, तो समझ नहीं आई जुबैर क्या कह रहे हैं आप। मैं कहा सर 20 नंबर का तो पेपर।